हेलो दोस्तों आज जो है हम बात करेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कैरेक्टर बिल्डिंग सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जिसे हम हिंदी में कहते हैं व्यक्तित्व विकास एवं चरित्र निर्माण ओके अब ये सब्जेक्ट जो है एक कंपलसरी सब्जेक्ट है जो नया आपके सिलेबस में इंक्लूड हुआ है तो आप में से जो भी एनईपी बेस्ड एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो ये फाउंडेशन कोर्स के अंडर जो है कम्पल्सरी सब्जेक्ट जिसमें एनसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिटेल में ये देखेंगे कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कैरेक्टर बिल्डिंग सब्जेक्ट में क्या सिलेबस है किस तरीके के टॉपिक्स जो है पूछे जा सकते हैं और हम एम सी क्यू बेस क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे ताकि हमें एक ओवरऑल नॉलेज मिल पाए कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में आ सकते हैं बिकॉज फर्स्ट टाइम सब्जेक्ट आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा तो बहुत सारे कन्फ्यूजन है कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है आ सकते हैं या इसके सिलेबस के रिगार्डिंग जो है कुछ कन्फ्यूजन है तो हम डिटेल में इसको देखेंगे ओवरऑल इसकी तीन यूनिट्स हैं और उसके कंटेंट्स जो हैं हम देख लेते हैं डिटेल में तो सबसे पहले सिलेबस की यदि हम बात करें तो बी ए बी एस सी बी कॉम सेयर थर्ड सेशन टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर यानी अभी जो आप एग्जामिनेशन देंगे उसी का ही करंट सिलेबस है सब्जेक्ट का नाम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कैरेक्टर बिल्डिंग एबिलिटी इनहसमेंट कंपल्सरी कोर्स है कम्पल्सरी फॉर ऑल स्टूडेंट सेम यही चीज जो है आपके लिए हिंदी में लिखी गई है फॉर द हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं और यहाँ पे हम एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर है तो यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको हिंदी और इंग्लिश की दिक्कत नहीं आने वाली है जो भी आप समझेंगे आप इजिली उसके बेसिस पे एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे ओके सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक्स सिलेबस के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स जो है पढ़ने हैं तो टॉपिक्स मेनली यूनिट्स जो है वो तीन है टोटल ओवरऑल सब्जेक्ट में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जैसे हम व्यक्तित्व विकास एवं चरित्र निर्माण अब टॉपिक्स में क्या क्या आता है तो पहले हम इंग्लिश में देख लेते हैं और यही जो है आपको समझ में आ जाएगा फॉर द हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स आल्सो पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या होता है यहाँ पे फिजिकल मेंटल इंटेलेक्चुअल स्पिरिचुअल डेवलपमेंट मिला के जो है पर्सनालिटी बनती है तो ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या होता है उसको हमें डिटेल में देखना है जैसे कि फैक्टर्स ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी पूछे गए फिर कैरेक्टर बिल्डिंग क्या होता है उसमें पर्सनल एंड नेशनल कैरेक्टर इसके मीनिंग एंड कंसेप्ट फिर पंच कोश के बारे में पूछा गया है बेनिफिट्स ऑफ पंच कोश तो ये चार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यूनिट नंबर वन के पर्सनल डेवलपमेंट क्या होता है कैरेक्टर uh, बिल्डिंग

एमसीक्यूस uh, लगा सकते हैं उसके अष्टांग योगा के बारे में जो है हमें डिस्कशन करना है पास्ट ग्लोरी सोशल सिटीजनशिप अवेयरनेस इक्वल रेस्पेक्ट टू ऑल सेक्ट्स एंड साइंटिफिक आउटलुक क्या होता है नेशन नेशनैलिटी डेमोक्रेसी जहाँ पे वासुदेव कुटुंबकम को एग्जिस्टेंस ये सब चीजें जो है हमें पढ़ना है इन द यूनिट नंबर सेकेंड फिर थर्ड में मोरल एंड मेंटल डेवलपमेंट क्या होता है डिफरेंस uh, अमंग हैप्पीनेस जॉय एंड प्लेजर अष्टांग योगा प्राणायाम वगैरह जो है फिर कंटिन्यूटी ऑफ कर्म योग भक्ति योग और ज्ञान योग जो है क्या होता है इन तीनों का कॉम्बिनेशन और इसमें से कौन सा सुप्रीम होता है इसके बेसिस पे इंडियन टाइम कैलकुलेशन जहाँ पे हम वैदिक टाइम कैलकुलेश के बारे में पढ़ेंगे सेल्फ एंड ऑफ मदर टंग इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन बायोग्राफी ऑफ लेजेंड्स प्रैक्टिस ऑफ सर्विस टॉलरेंस चैरिटी डेडिकेशन सेल्फ एग्जामिनेशन एंड सेल्फ रिलायंस ये सब टॉपिक जो है इट इज इन द यूनिट नंबर थर्ड तो दोस्तों ये ओवरऑल टॉपिक्स हैं फ्रॉम ऑल द थ्री यूनिट्स जिसको हमें पढ़ना है बहुत डीप टॉपिक है यदि हम उसको देखें बट आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन डिटेल में नहीं पूछा जाएगा है ना इट इज अजर जैसे कि सपोज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की किसी थ्योरी के लिए पूछ लिया तो आपसे ऐसा पूछ लेगा कि ये थ्योरी जो है किसने दी है या उस थ्योरी के लिए पर्टिकुलरली कुछ इंपॉर्टेंस है तो उसके रिगार्डिंग बहुत ज्यादा डिटेल में इतना डीप सब्जेक्ट है कि इसको हम जितना पढ़े उतना कम है है ना ये साइकोलॉजी सब्जेक्ट का पार्ट है तो हमें तो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो उसके अकॉर्डिंग ही हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे ठीक है सेम यही जो है हिंदी में टॉपिक्स लिखे हुए हैं फॉर द हिंदी मीडियम स्टूडेंट यदि आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक को हिंदी में देखना है कि इससे क्या कहते हैं तो ये आपके सामने है ठीक है अब दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द यूनिट नंबर वन जो भी टॉपिक्स जो हैं इंपॉर्टेंट हैं वहां पे हम ये भी देखेंगे कि इस पर्टिकुलर टॉपिक का जो है एमसीक्यू किस तरीके से बन सकता है ताकि हमें थ्योरी पढ़ते पढ़ते ये समझ में आ जाए कि एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है किस तरीके से पूछे जाएंगे तो सबसे पहले यदि हम बात करें व्हाट डज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मीन्स पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी व्यक्तित्व विकास यदि आपका वोकेशनल सब्जेक्ट पर्सनालिटी डेवलपमेंट है तो आपने रिवीजन लेक्चर देखा होगा फॉर द फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर में उसमें जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब हमने बहुत अच्छे से समझा है कि पर्सनालिटी यानी किसी भी पर्सन की व्यक्तित्व के बारे में बताना उसकी क्वालिटीज के बारे में बताना वो क्वालिटी जो है दोनों तरीके की क्वालिटी हो सकती है अच्छी क्वालिटी और uh, बुरी क्वालिटीज यानी झूठ बोलना एक बुरी क्वालिटी होती है लेकिन पर्सन ऑनेस्ट है दिस इज अ गुड क्वालिटी तो उन सभी के कॉम्बिनेशन को जिसमें उसका फिजिकल डेवलपमेंट यानी आप दिखने में कैसे हैं उसको किसे मेंटेन कर रहे हैं मेंटल डेवलपमेंट इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कैसा है आपका और स्पिरिचुअली आप किस तरीके से हैं इन सब के ओवरऑल कॉम्बिनेशन को मिला के जो है हमारी पर्सनालिटी बनती है और इसी की ही ग्रोथ को इसी की है विकास को जो है हम कहते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट ठीक है आइए इसकी थ्योरी पढ़ते हैं द वर्ड पर्सनालिटी कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड पर्सोना इन द एंशिएंट वर्ल्ड पर्सोना मी वाज अ मास्क वॉन बाय एन एक्टर ठीक है ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है सेशंस में पर्सनालिटी जो है पर्सोना uh, शब्द लैटिन शब्द जो है वहां से आया है जिसे हम कहते हैं मास्क जिसे एक्टर जो है uh, उस मास्क को पहनते थे हिंदी में हम उसे कहेंगे मुखोटा। ना, जो है जो क्या करते हैं? करते हैं हैं एक्टिंग एक तरीके का मुखोटा ही क्रिएट करते हैं और हमें जो है कुछ ना कुछ प्रदर्शन दिखाते हैं रियलिटी बना के तो जो है यहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है कि ये कहाँ से आया है तो लैटिन वर्ड से आया कौन से लैटिन वर्ड से आया है, है परसोना से आया है और इसका मतलब क्या होता है तो इसका मतलब होता है मास्क जिसे हम हिंदी में कहेंगे मुखोटा ठीक है आगे पढ़ते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट रिफर्स टू द टूसेस बाई विचनाइजियरिटी पर्सनैलिटी एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे हमारे थॉट्स या हमारा बिहेवियर पैटर्न क्या है जिससे हमारी एक यूनिक पर्सनालिटी बनती है जैसे कहते हैं ना कि हर इंसान जो है अलग रहता है है ना एक दूसरे से सभी लोग अलग हैं क्योंकि सब में कुछ ना कुछ अलग है कुछ ना कुछ खासियत है जो उनकी पर्सनालिटी को जो है यूनिक बनाता है तो ये वही चीज है वो किस कारण से उनका थॉट प्रोसेस क्या है सोचने का वे क्या है उनका बिहेवियर क्या है ये चीज झलक बताती है कि उनकी पर्सनालिटी डिफरेंट क्यों है दूसरों से मेनी फैक्टर इंफ्लुंस पर्सनैलिटी बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं प्रभावित करते हैं पर्सनालिटी को जैसे कि जेनेटिक्स एंड एनवायरमेंट हाउ वी आर पेरेंटेड एंड सोशल वेरिएबल्स यानी कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी पर्सनैलिटी को जो है इम्पैक्ट करते हैं तो जेनेटिक्स यानी हमारे माता पिता कैसे हैं तो उस तरीके से हम दिखने में थोड़े बहुत उनके जैसी झलक हम, हमारे अंदर भी होगी है ना हमारे आसपास का वातावरण कैसा है यानी जहाँ पे हम रहते हैं फैमिली हमारे फ्रेंड सर्कल हमारे आसपास की दुनिया जिनके साथ हम कनेक्टेड हैं वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं यदि हम अच्छी संगति में तो हम अच्छा इंसान बनेंगे यदि हमारी संगति अच्छी नहीं है, है जैसे हम कहते हैं कुसंगति में यदि है तो जो है हमारी पर्सनालिटी कहीं ना कहीं उस तरीके से निखरेगी हाउ वी आर पेरेंटेड हमारी परवरिश कैसे हुई है वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है हमारे पर्सनालिटी को बनाने में ठीक है एंड सोशल वेरिएबल्स हमारे आसपास की सोसाइटी कैसी है जहाँ पे बहुत सारे ट्रेडिशंस को माना जाता है तो हम भी कहीं ना कहीं उन ट्रेडिशंस को मानेंगे जहाँ पे बहुत ज्यादा ओपननेस है तो कहीं ना कहीं हमारी पर्सनालिटी भी उस ओपननेस से झलकेगी हम देखेंगे कहीं किसी किसी फैमिली में बहुत ज्यादा लिमिटेशंस होती हैं कि लड़कियों को बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाना है अर्ली एज में मैरिज करना है इस तरीके से यदि ऐसा कुछ वातावरण हमारे साथ है तो कहीं ना कहीं वो चीजें हमारे अंदर भी वो ट्रेडिशनल चीजें जो है आएंगी ठीक है यहाँ पे चीजें अच्छी या बुरी की नहीं है ये है कि हम जो बनते हैं वो हमारे आसपास के माहौल से हम बनते हैं ठीक है वही चीज दोस्तों फॉर द हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हिंदी में लिखी हुई है जिसे बहुत ही आसान शब्दों में हमने समझ लिया है तो आपको हिंदी में भी उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है यदि आपको लगता है ठीक है सेम वही चीज लिखी हुई है अब बढ़ते हैं टूवर्ड्स द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू फ्रेड लुथनस यानी ये एक ऑथर uh, है ये क्या कहते हैं पर्सनालिटी के बारे में तो पर्सनालिटी मींस हाउ वो पर्सन अफेक्ट अदर्स मतलब ये है कि वो जो पर्सन है दूसरे को कैसे करता है मेरे बोलने से क्या आप किस तरीके से प्रभावित होते हैं मैं आपसे जो बातचीत कर रही हूँ क्या वो आपकी लाइफ में वैल्यू एड कर रहा है क्या आपको उससे मदद मिल रही है कि आपका उससे नुकसान हो रहा है ये बताता है पर्सनैलिटी को ठीक है हाउ ही अंडरस्टैंड एंड व्यूज हिमसेल्फ एज वेल एज पैटर्न ऑफ इनर एंड आउटर मेजरे मेजरेबल ट्रेट्स एंड द पर्सन सिचुएशन इंटरशन पर्सनैलिटी वो है कि आप खुद को कैसे समझते हैं आपकी अवधारणा क्या है परसेप्शन क्या है किसी भी चीज को देखने का किस तरीके का पैटर्न है इनर एंड आउटर मेजरेबल ट्रेट्स आपकी जो क्वालिटीज हैं वो जो अंदरूनी क्वालिटीज हैं और जो बाहरी क्वालिटीज हैं वो किस तरीके से आप सोचते हैं आपका बिहेवियर क्या है पर्टिकुलरली किस सिचुएशन में वो बताता है आपकी पर्सनालिटी को सेम इसी को यदि हिंदी में देखना चाहें तो दिया हुआ है व्यक्तित्व का अर्थ क्या है तो कोई भी व्यक्ति दूसरों को कैसे प्रभावित करता है वह खुद को कैसे समझता है कैसे देखता है साथ ही आंतरिक और बाहरी मापन योग्य लक्षणों का पैटर्न और व्यक्तित्व की स्थिति की बातचीत जो है किस तरीके से होती है Uh, बताई है क्योंकि यदि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपसे इस तरीके की डेफिनेशन पूछी जा सकती है जैसे कि आपको ये डेफिनेशन दे दी है ना और आपसे पूछा है कि ये किसने बताई है और चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन दे देंगे फ्रेड लुथनस तो इस तरीके से आपको पैटर्न बता पड़ेगा कि एमसीक्यू इस तरीके से पूछे जाएंगे ठीक है तो यहाँ पे हमने एक डेफिनेशन देख ली आगे थ्योरीज में हम और एक्सपर्ट्स uh, की डेफिनेशन देखेंगे कि उन्होंने पर्सनालिटी के लिए क्या बोला है बढ़ते हैं आगे ऑफ पर्सनालिटी या व्यक्तित्व के 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 लक्षण बारे बारे में बात करें, बारे में बात बात या या उसके फीचर्स पर्सनैलिटी का क्या नेचर होता है उसके बारे में तो ये डायनामिक होती है गतिशील होती है पर्सनैलिटी समय समय से चेंज होती है आप खुद में भी यदि ऑब्जर्व करो तो जो आप एक साल पहले थे आज आप में कुछ ना कुछ चेंज आया होगा लोगों से सीख के आपके साथ कोई घटना हुई होगी उससे सीख के जो आसपास के माहौल होगा उससे कुछ ना कुछ सीख के तो पर्सनालिटी गतिशील होती है डायनामिक होती है इट इज ऑलवेज चेंजेबल है ना आप आगे देखिए इट इज यूनिक ये डिफरेंट होती है हर इंसान दूसरे से बिल्कुल अलग है हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि दो इंसान है दोनों जुड़वा भी हैं तो भी उसमें बिल्कुल भी क्वालिटीज जो है मैचअप नहीं करेंगी है ना किसी का जो है बिहेवियर बहुत ही आ, अच्छा होता है किसी का बिहेवियर जो है झगड़ालू होता है किसी को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है सबकी अपनी अपनी एक यूनिक पर्सनालिटी है सिमिलर पर्सन तो आपको नहीं मिलेंगे हाँ कुछ क्वालिटीज मैचअप हो सकती हैं लेकिन हर पर्सन की भगवान ने सबको यूनिकनेस दी है वो खास बात दी है आपके अंदर जिससे आप कुछ बेहतर कर सकते हैं कुछ बेहतर जो है आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आपके आसपास के माहौल पे तो आप उस यूनिक क्वालिटी को ढूंढिए और उस पर काम करिए यू विल बी डेफिनेटली अ ग्रेटर पर्सन वन डे ठीक है तो पर्सनैलिटी यूनिक होती है जिसे हम अद्वितीय कहते हैं डिटरमाइन अवर थिंकिंग रीजनिंग एंड एक्शन हमारी सोच तर्क और कार्य निर्धारित करता है पर्सनैलिटी दैट मीन्स हम किस तरीके से सोचते हैं हमारी तर्क शक्ति क्या है हम किस तरीके से एक्शन लेती है ये किसका पार्ट है ये हमारी पर्सनैलिटी का ही पार्ट है हम जो सोचेंगे किस चीज पे डिपेंड करेगा हम जिस माहौल से बने हुए हैं वैसी ही हमारी सोच बनेगी और उसी तरीके के हम डिसीजंस लेंगे और उसी तरीके से हम एक्शंस करेंगे तो पर्सनालिटी डिटरमाइन करती है हमारे सोचने के रीजनिंग uh, के और हमारे एक्शंस के वे को देन डेवलपिंग थ्रू सोशल इंटरक्शन पर्सनालिटी किससे किस से डेवलप होती है यदि हम बात करें तो सामाजिक संपर्क के माध्यम से जो है इसका विकास होता है डेवलप होता है हमारा परवरिश जैसी हुई है हमें ऐसा लगता है किसी चीज की कमी है हमारे आसपास की सोसाइटी में जो होता है हम धीरे धीरे उससे भी विकास करते हैं यदि हमारे अंदर कुछ कमी होती है तो धीरे धीरे हम विकास करते हैं है ना और हर इंसान परफेक्ट नहीं होता है समय के साथ हर चीजें जो है हम सीख कर जो है आगे बढ़ते हैं अपने आप में निखार करते हैं ग्रोथ करते हैं उसी को ही हम कहते हैं कि हम अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम कर रहे हैं या डेवलप कर रहे हैं ठीक है लीडरशिप नेतृत्व की पर्सनालिटी की एक फीचर रहता है कि आपको नेतृत्व करना भी सिखाता है आपके अंदर नेतृत्व की भावना रहती है ठीक है कैन बी एक्वाय पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से जो है हम इसको सीख सकते हैं या कुछ अच्छा अचीव हमें ऐसा लगता है कि हमारे अंदर वो गुण होना चाहिए जैसे हम देखें कभी कभी हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है हमें ऐसा लगता है कि हमें कॉन्फिडेंस कम है और हमें जो है इसे बेटर करना है तो हम देखेंगे कि हमारे आसपास में कौन सा ऐसा पर्सन है जो हमें प्रभावित करता है जिसका कॉन्फिडेंस हमें बहुत अच्छा लगता है हम उसको देखने की कोशिश करेंगे फिर धीरे धीरे उसको कोशिश करेंगे वो किस तरीके से बातचीत करता है तो इस तरीके से हम अपने डर को जो है पीछे करेंगे जिस भी कारण से वो कॉन्फिडेंस हमारा बिल्डअप नहीं हो पा रहा है तो इसको जो है पर्सनैलिटी की जो भी क्वालिटीज हैं हम उसको सीख सकते हैं चाहे वो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स हों है ना हमें बातचीत करना अच्छा लगता है लेकिन हमें बोलने नहीं आता है तो धीरे धीरे जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो हम बातचीत करना सीख जाएंगे तो इस तरीके से हमारी कॉम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ जाएंगे तो इट कैन भी एक यदि हमें लगता है कि, कि किसी पर्टिकुलर चीज की हमारे अंदर कमी है किसी क्वालिटी की कमी है तो हम उसको डेफिनेटली एक्वायर कर सकते हैं सीख सकते हैं हर पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है कि जो हम बचपन से बने हैं वैसे के वैसे रहेंगे नहीं हम उसको एक्वायर कर सकते हैं इमोशनल मैच्योरिटी को बता हमारी पर्सनालिटी हमारी इमोशनल मैच्योरिटी को भी बताता है भावात्मक अः परिपक्त परिपक्तवक कितना है हमारे हम कितने परिपक्व है मैच्योर है पर्टिकुलरली इमोशनल इंटेलिजेंस हमारे अंदर कितना है यदि हमारे सामने किसी जानवर को मारा जा रहा है तो हम उसके लिए क्या फील कर रहे हैं क्या हमें बुरा लग रहा है उस चीज को देख के हम सामने वाले को रोक रहे हैं तो वो हमारी इमोशनल मेच्योरिटी दिखाएगा कि हमारे अंदर किस तरीके की फीलिंग है या किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो क्या हम उसके लिए स्टैंड ले पा रहे हैं दैट इज शोज यदि हम वैसा नहीं कर पा रहे हैं यानी हमारे अंदर इमोशनल मेच्योरिटी जो है वो कम है तो जैसे कि पर्सनैलिटी जो है हमारी ओवरऑल इमोशनल एंड प्रैक्टिकल अप्रोच से बनती है और इन दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है यदि हम बहुत ज्यादा इमोशनल है दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है तो वहां पे हम इंसानियत खो देते हैं तो हमारे अंदर कॉम्बिनेशन होना चाहिए इमोशनल मैचोरिटी का एंड प्रैक्टिकल अप्रोच का का लाइफ को देखने का, ठीक है अब हम बात करें ऑफ यानी व्यक्तित्व के निर्धारक क्या हैं तो उससे पहले यहां से एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाएंगे अब यहाँ पे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ एक करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस की है इसके अलावा बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है पर्सनालिटी को जांचने की या समझने की आपसे पूछ लेंगे इनमें से निम्न में से कौन सी पर्सनालिटी की फीचर नहीं है और आपसे चार ऑप्शंस आपको दे देंगे इस तरीके के क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा पर्सनालिटी का तत्व है और जिसमें जैसे ऑप्शन में लिख दिया कि यूनिक और बाकी जो है ऐसा लिख दिया जो पर्सनालिटी से मैचअप नहीं करता है तो फिर जो है आपका ऑप्शन यूनिक जो है सही रहेगा तो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं अब बात करें हम डिटर्मिनेंट्स की पर्सनालिटी किससे निर्धारित होती है

या जिस तरीके से आपके माता पिता बोलते हैं कुछ एक चीजें कुछ एक हैबिट जो है आपके अंदर भी होंगी देन एनवायरमेंट आपके आसपास का माहौल जो है कैसा है वो निर्धारित करता है आपकी पर्सनालिटी का जैसे कि अभी हमने डिस्कस की कि ओपननेस है तो आपके अंदर भी होगी यदि आप ट्रेडिशनल अप्रोच में रहते हैं ऐसे आसपास का माहौल जो है वो ट्रेडिशनल है तो आप वैसे बनेंगे ठीक है इन्वायरमेंट जैसे कि उसमें क्या क्या चीजें आ जाएंगी आपका कल्चर कैसा है संस्कृति कैसी है जहाँ पे कल्चर की यदि हम बात करें तो यहाँ पे एल्डर्स की रेस्पेक्ट की जाती है यदि ऐसा कल्चर है आपके आसपास में तो आप भी वैसे ही बनेंगे तो ये बहुत इम्पोर्टेंट uh, पॉइंट है कि आपकी संगति कैसी है वही आपको बना भी सकती है और वही आपको बिगाड़ भी सकती है है ना तो आपको बेटर बनना है कि बेहतर बनना है ये आपका uh, जो है आपका आसपास का माहौल कैसा है ये निर्धारित करता है फिर फैमिली फैमिली में किस तरीके के uh, रूल्स हैं रेगुलेशन हैं क्या आपकी फैमिली आपसे ओपन है बातचीत आप इजिली कर पाते हैं कि आप आपके पेरेंट्स को हर चीज नहीं बता सकते हैं तो ये मायने रखते हैं कि आपकी पर्सनालिटी कैसे रहेगी सोसाइटी आसपास की समाज कैसे है सिचुएशन परिस्थिति आपके आपके साथ क्या गुजर रहा है ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट प्ले करता है आपकी पर्सनालिटी को बनाने हम देखते हैं कोई पर्सन ऐसा है जो बहुत कम एज में ही बहुत मैच्योर हो जाता है या अपने कैरियर के प्रति जो है बहुत ज्यादा हो जाता है पर मैं बड़े होकर ऐसा नहीं जीना चाहता हूँ तो जो है उसकी सिचुएशन उसको मजबूत बनाती है और उसको जो है ईमानदार बनाती अपने काम के प्रति तो आपकी परिस्थिति कैसी है वो भी डिसाइड करती है आपकी पर्सनैलिटी कैसी है अब आपने देखे कि आपकी आसपास की सिचुएशन ऐसी है माहौल ऐसा है कि हर दिन पार्टी होती है तो आप बड़े होकर भी वही चीज करेंगे है ना सो दिस प्लेस अ वेरिड रोल तो ये हो गया डिटरमिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी सेम इसी तरीके से एमसीक्यू भी पूछे जाएंगे कि इसमें से कौन सा जो है निर्धारक नहीं है तो जो है यदि कुछ ऑप्शन में ऐसा कोई आ रहा है कि निर्धारक नहीं है तो आप जो है उसको टिक कर देंगे ठीक है आप बढ़ते हैं टुवर्ड्स द थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी पर्सनालिटी के ऊपर अलग, अलग अलग थ्योरी अलग अलग एक्सपर्ट्स या साइकोलॉजिस्ट के द्वारा जो जो है है दी गई कि एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है कि ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई है या उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पूछा जा सकता है तो इसको हमें पढ़ना है तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो साइको एनालिटिकल थ्योरी क्या होती है साइको एनालिटिकल थ्योरी सबसे पहले तो ये दी गई है सिगमेंट फ्रिड के द्वारा जिन्होंने पर्सनालिटी को जो है तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है उनके अकॉर्डिंगली पर्सनालिटी जो डिवाइडेड है पर्सनालिटी के ट्रेट्स ये होती है एक इड फिर दूसरी जो होती है दैट इज ईगो और तीसरी को जो है उन्होंने डिवाइड किया है कि इट इज कन्वर्टेड इन सुपर ईगो अब उनके हिसाब से पर्सनालिटी जो है तीन टाइप्स की होती है इड ईगो एंड सुपर ईगो अब इसको थोड़ा सा हल्का फुल्का याद रखना हो तो जो आपकी इड टाइप की पर्सनालिटी है वर्क करती है इमेजिनेशन पे ठीक है ये ईगो जो वर्क करती है रियलिटी पे और ये थोड़ी और मेच्योर लेवल पे वर्क करती है अब इसको यदि हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करें तो जो एडी टाइप की पर्सनालिटी है ये हमें कब दिखाई देती है जब हम बहुत छोटे होते हैं एट द एज ऑफ इन्फेंट जो अभी हम पढ़ के आए हैं इन्फेंसी की स्टेज में होते हैं तब हमारे अंदर होता है इड ये इमेजिनेशन पे चलती है ये बहुत ही जिद्दी प्रवृत्ति की होती है एक बच्चा जब ये सोचता है कि हाँ मुझे ये खाना खाना है वो एक इमेजिनेशन करता है और उसको रियलिटी समझ रहा है कि मैं खाना खा रहा हूँ ड्रीम्स में ही वो जाता है और ये बहुत ही जिद्दी प्रवृत्ति की कि बच्चे ने यदि कुछ को, कोई चीज मांगी है तो उसके लिए वो कैसे बिहेव करता है ही क्राइंग फॉर दैट कि मुझे वो चीज मिलनी ही मिलनी चाहिए जैसे बच्चा एक जिद्दी होता है अपनी चीजों के प्रति तो इट टाइप की पर्सनालिटी हमें उस एज में देखने को मिलती है फिर यही पर्सनालिटी थोड़ी सी डेवलप होती है इट कम्स टू द रियलिटी जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया कि बच्चा इमेजिनेशन कर रहा है कि वो खाना खा रहा है या वो ट्रेन में जा रहा है उसी को ही वो रियल समझ रहा है यहाँ पे एक्चुअली वो चीजें होती है वो एक्चुअली खाना खाता है और उसको ही रियल समझा जाता है यहाँ पे जो है इमेजिनेशन या ड्रीम हम कहेंगे यहाँ पे वो रियलिटी में होती सुपर इगो थोड़ी सी मेच्योर होती है और बड़े लोगों में यूजली जो है एक बहुत ही मेच्योर एज में जब आते हैं तब आपको सुपर इगो वाली ये ईगो उससे कनेक्टेड नहीं है कि आपके अंदर एटीट्यूड है नहीं अः सिगम फ्रेड ने जो है पर्सनालिटी को तीन वे में कैटेगराइज किया है कि हम पहले इट प्रवृत्ति के रहते हैं फिर ईगो के और फिर सुपर ईगो के जहां पे हम सुपर ईगो में हम सही और गलत को भी समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे आपको खाना खाना है दैट इज द रियलिटी आप खाना खा रहे हैं यहाँ पे सुपर ईगो में आप डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि क्या खाना सही है क्या खाना गलत है सोशल नॉर्म्स को भी समझने की कोशिश करते हैं कि सोसाइटी के हिसाब से क्या सही है क्या गलत है दैट इज द सुपर ईगो पार्ट तो यूजअली उन्होंने एज ग्रुप भी बनाया था कि इन्फेंसी की जो एज रहती है उस समय हमारे अंदर इड रहता है फिर जो है जब हम थोड़े बड़े होते हैं तो हमारे अंदर ईगो रहता है और उसके बाद जो है सुपर ईगो रहता है तो ये साइको एनलिटिकल थ्योरी जो की दी गई है सिगमंड सिगमेंट के द्वारा जो याद रखना है नाम भी याद होना चाहिए और उन्होंने किस तरीके की पर्सनालिटी बताई है वो भी हमें पता होना चाहिए फिर आगे यदि हम बात करें टाइप थ्योरी के बारे में तो टाइप थ्योरी जो है दी गई है शेल्डन जी के नाम से और कालजंग ने दी है ये थ्योरी टाइप थ्योरी उनके शेल्डन के हिसाब से उन्होंने लगभग फोर थाउजेंड स्टूडेंट के ऊपर काम किया है और उनके हिसाब से फिजिकली बॉडी डेवलप जो होती है वो तीन तरीके से होती है उन्होंने उसका नाम दिया है एक का नाम दिया है एंडोफोर एक्टोफोर एंड एक मैसोफोर टाइप की पर्सनालिटी उन्होंने बुलाई कि लोग जो है तीन टाइप के रहते हैं सबसे पहले रहते हैं दैट इज इंडोमोर्फ ठीक है उन्होंने जो कैटेगराइज किया है और दूसरा जो है उन्होंने बनाया है एक्टोफोर आप चाहें तो इसको लिख लीजिए और थर्ड जो है दैट इज अब इसका मतलब क्या होता है इसको यदि हम शॉर्ट में कंक्लूड करें तो इंडोफोर्फ का मतलब ऐसे लोग रहते हैं जो कि बहुत ज्यादा नॉइजी रहते हैं यानी आवाज करते हैं हाइट जो है उनकी कम रहती है इस टाइप की पर्सनालिटी जो है इंडोमोर्फ होते हैं ये कुछ फनी टाइप के पर्सन रहते हैं मजाकिया तौर पर रहते हैं एक्टोफोर्फ थोड़े से जो है मेच्योर रहते हैं रहना पसंद होता है 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 हाइट इनकी जो ज़्यादा रहती है, से उनके हिसाब से है ना तो ये होते हैं एक्टोफोर मैसोफोर्फ जो है एट्रैक्टिव पर्सनालिटीज़ रहते हैं लोग इनसे बातचीत करने के लिए जो है इनसे बातचीत करना चाहते हैं ये अट्रैक्टिवनेस रहती है इनके अंदर और ये जो है हम कह सकते हैं कि सोसाइटी में जो है मेचोर लेवल पे भी ये बिहेव करते हैं थोड़ा सा इनमें एग्रेसिवनेस जो है वो ज्यादा होती है गुस्सा जो है ज्यादा होता है तो शेल्डन जी ने तीन टाइप की पर्सनैलिटी बॉडी स्ट्रक्चर जो है उसको उन्होंने तीन पार्ट्स में जो है डिवाइड किया है है ना फिजिकल बॉडी स्ट्रक्चर को जो है उन्होंने एंडोफोर एक्टोफोर एंड मेसोफोर में वही कालजंग ने जो टाइप थ्योरी बताई है कालजंग के हिसाब से जो है टाइप थ्योरी कि यदि हम बात करें तो ये टाइप थ्योरी को उन्होंने एक्स्ट्रावर्ट एक्स्ट्रोवर्ड और इंट्रोवर्ड के बेसिस पे उन्होंने जो है इसको डिवाइड किया एक्स्ट्रावर्ट यानी ऐसे लोग जो कि सबसे बातचीत करते हैं घुल मिल के रहते हैं हमने पीडी के जो वोकेशनल सब्जेक्ट है उसमें इसको पढ़ा भी है डिटेल में और इंट्रोवर्ट ऐसे लोग हैं जो कि कम बातचीत करते हैं इजिली किसी के साथ घुल मिल नहीं पाते हैं इज द इंट्रोवर्ट तो उनके हिसाब से दो ही टाइप के लोग होते हैं इंट्रोवर्ट होते हैं या फिर एक्सट्रोवर्ट टाइप ऑफ पर्सन ये कालजंग ने कहा है सी से भी स्पेलिंग आती है के से भी आती है तो आपको ध्यान देना है कंफ्यूज uh, नहीं होना है जब एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाता है तो ठीक है तो ये होती है टाइप थ्योरी उसके बाद यदि हम बात करें तो ट्रेड थ्योरी जो की दी गई है एल्पर्ट जी के द्वारा और कर्टल जी के द्वारा एल्पर्ट जी का पूरा नाम जो है ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और इनका पूरा नाम जो है गॉर्डन एल्पर्ट है और इन्होंने जो है लगभग एटीन थाउजेंड ट्रेड निकाले थे कि इतनी टाइप की पर्सनालिटी होती है उसको कन्वर्ट करते करते छोटा करते करते जो है वो फोर थाउजेंड ट्रेड्स पे आए थे ठीक है तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है फोर थाउजेंड ट्रेड से जो है उन्होंने उसको कन्वर्ट किया इन द वेरी शॉर्ट और हम उसको कह सकते हैं उन्होंने सिक्सटीन ट्रेड्स में उसको जो है कन्वर्ट किया है कि इतने ट्रेड्स ऑब्वियसली Uh, किसी भी इंसान में रहते हैं या इतनी क्वालिटीज जो है किसी भी इंसान में रहती है तो ये एल्पर्ट जी ने कहा है अब उनके हिसाब से उन्होंने पर्सनैलिटी को जो है तीन तरीके से क्लासीफाई किया है कि पर्सनैलिटी जो है तीन तरीकों से हो सकती है सबसे पहले जो है उन्होंने बोला है कार्डिनल फिर जो है उन्होंने कहा है सेकेंडरी टाइप ऑफ पर्सनालिटी होती है और तीसरा जो है उन्होंने कहा है सेंट्रल टाइप ऑफ पर्सनल कार्डिनल में किस तरीके के लोग रहते हैं जिनमें स्पेशल कार्डिनल यानी उस टाइप की ट्रेड्स उस टाइप की क्वालिटी जो कि स्पेशल क्वालिटीज रहती हैं वो हर इंसान को जो है यूनिक बनाती है है ना जैसे किसी में जो भी स्पेशल टैलेंट है उसको हम कह सकते हैं कि जो भी आपके अंदर स्पेशल क्वालिटी है दैट कम्स अंडर द कार्डिनल क्वालिटी अब सेकेंडरी की यदि हम बात करें तो इसमें जो है कॉमन क्वालिटीज जो सभी लोगों में जो है मौजूद रहती है उसी को ही हम कहेंगे दैट विल बी कम अंडर कॉमन क्वालिटीज अब स्पेशल क्वालिटीज की जहां पे हम बात करें तो इसको यदि हम एग्जांपल लें जैसे कि ऑनेस्टी हो गया ये आप बहुत समय से प्रयास करते हो फिर जाके जो है ये आपके अंदर इनबिल्ट हो जाती है कि ये आपकी क्वालिटी है जिसको आप छोड़ ही नहीं सकते हो ये आपकी स्पेशल क्वालिटी है है ना और कॉमन क्वालिटी वो सभी के अंदर होती है जैसे कि हम पंचुअलिटी की बात करें यूजली दिज आर द कॉमन क्वालिटी और सेंट्रल जो है जो कि लेस इंपॉर्टेंट रहती है जिन पे हम ध्यान दे ना दे इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है लेकिन ये मौजूद रहती है जैसे कि आपकी खाने की लाइफ स्टाइल आपको खाने में क्या पसंद है आपकी हेयर स्टाइल कैसी है इस तरीके की क्वालिटीज जो ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती है दैट इज द सेंट्रल तो एल्पर्ट जी ने पर्सनालिटी को तीन में डिवाइड किया है

ठीक है अब इसको जो है उन्होंने दो टाइप की थ्योरी बताई है यहाँ दो ट्रेड थ्योरी बताई है कि दो तरीके के लोग हो सकते हैं एक होती है सोर्स और दूसरी होती है सरफेस थ्योरी ठीक है ये किसकी बात कर रहे हैं हम कर्टेल जी की बात कर रहे हैं एक होती है सोर्स और दूसरी क्या है सरफेस थ्योरी अब उनके अकॉर्डिंग जो सोर्स uh, थ्योरी है ये जो है इंपॉर्टेंट अ uh, कामों के लिए होती है जो इजिली आइडेंटिफाई नहीं होती है और सरफेस ट्रेड्स ऐसे होते हैं जो कि डेली रूटीन के ट्रेड्स होते हैं है ना डेली में जो आप काम करते हैं या जो आपकी क्वालिटीज निखर के आती हैं कि हाँ सुबह उसको जल्दी उठने की आदत है ये एक ट्रेट हो गया तो ये डेली रूटीन तो उनके हिसाब से दैट इज द सरफेस और सोर्स ऐसी है जो इजिली आइडेंटिफाई आप नहीं कर सकते हैं इट इज द इम्पोर्टेंट थ्योरी ठीक है तो ये हो गई उनकी सोर्स अब इस सोर्स को भी जो है ना उन्होंने दो में कन्वर्ट किया जैसे थर्टी फाइव है तो सोर्स को भी जो है उन्होंने दो ट्रेड में कन्वर्ट किया है दैट इज नॉर्मल एंड में उसको इस तरीके से कन्वर्ट किया बहुत डिटेल स्टडी है ये साइकोलॉजी से रिलेटेड है तो आपका इंटरेस्ट हो तो आप फिर उसको और डिटेल में पढ़ सकते हैं बट एग्जामिनेशन पॉइंट में जो है जो मेन मेन चीजें है हम उसका डिस्कशन यहाँ पे कर रहे हैं यदि आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो डेफिनेटली आप इसका विकीपीडिया कीजिए आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जो है रिगार्डेड मिलेगी आपको जस्ट ऐसा लिखना है कर्टल थ्योरी विकिपीडिया तो आपको पूरा जो है कटल थ्योरी से रिलेटेड डाटा मिल जाएगा ठीक है तो कर्टल जी ने सरफेस एंड सोर्स दो टाइप के ट्रेड बताए हैं और सरफेस जो है आपके डेली रूटीन से रिलेटेड होता है और सोर्स जो है डेली रूटीन से रिलेटेड नहीं रहता है और फिर अगेन सोर्स को जो है दो में कन्वर्ट किया है नॉर्मल एंड एबनॉर्मल ऐसी क्वालिटीज जो नॉर्मली लोगों में मिलती है और कुछ जो है एबनॉर्मल रहती है वो बारह है और नॉर्मल जो है तेरह है जो टोटल उन्होंने थर्टी फाइव ट्रेट बताए हैं दिस इज द ट्रेट यस नेक्स्ट थ्योरी है सोशल लर्निंग थ्योरी जो कि दी गई है अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा और इनका मानना ये था कि पर्सनालिटी के जो पर्सनल ट्रेट्स हैं उसको उन्होंने महत्व नहीं दिया है उसको इग्नोर किया है इन्होंने सोशल ट्रेड्स को जो है महत्व दिया है कि जैसे कि हम सोसाइटी में रहते हैं तो सोसाइटी से जो सीखते हैं वही चीजें जो है हमारे अंदर इनबिल्ट होती है तो अल्बर्ट बंडूरा की कौन सी थ्योरी है सोशल लर्निंग थ्योरी फिर बात करें हम सेल्फ थ्योरी जो की दी गई है कार्ल रोजर के द्वारा इससे पहले भी इरिकसन वगैरह बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट आए थे फिर कार्ल रोजर ने जो है इस पर डिटेल स्टडी की थी और उन्होंने जो है सेल्फ थ्योरी को जो है चार पार्ट्स में कैटेगराइज किया था उनके हिसाब से सेल्फ थ्योरी होती है एक होती है सेल्फ इमेज दूसरी होती है आइडियल सेल्फ और थर्ड जो होता है दैट इज ग्लास सेल्फ या उसको हम कहते हैं मिरर सेल्फ और फोर्थ जो होती है दैट इज द रियल सेल्फ उनके हिसाब से पर्सनैलिटी को जो है उन्होंने चार पार्ट में डिवाइड किया है एक हमारी सेल्फ इमेज यानी हम खुद को क्या देखते हैं हमारी खुद के प्रति जो है क्या सेल्फ इमेज है कि हम ऐसा कर सकते हैं ना खुद के प्रति क्या अवधारणा है दैट इज द सेल्फ इमेज आइडियल सेल्फ एक हमें क्या होना चाहिए आइडियली uh, क्या होना चाहिए हम क्या सोचते हैं कि हमें ऐसा होना चाहिए इस तरीके से है ना ये हमारा परसेप्शन होता है कि हम खुद को कैसा देखते हैं है ना अः uh, ये अवधारणा है और दूसरा आइडियल सेल्फ यानी हम कैसा मानते हैं कि ऐसा हमें होना चाहिए एक किस तरीके का परफेक्शन हमें आना चाहिए आइडियल सेल्फ ग्लास सेल्फ दूसरों का क्या परसेप्शन है हमारे ऊपर दूसरे हमें किस तरीके से देखते हैं दैट इज द ग्लास सेल्फ या मिरर सेल्फ जिसे हम कहते हैं और रियल सेल्फ एक्चुअली में हम क्या हैं वो दर्शाता है रियल सेल्फ तो सेल्फ थ्योरी जो है दी गई है कार्ल रोजर के द्वारा कि हम खुद के लिए क्या सोचते हैं किस तरीके से तो पहले जो दो हैं ये तो हम क्या कर रहे हैं एक तरीके का इमेजिनेशन कर रहे हैं कि हम ऐसे हैं पहले वाले में और हम ऐसा बनना चाहते हैं दैट इज सेकेंड

agreeableness neuroticism अब यदि इसके हम बात करें रहे हैं शॉर्ट फॉर्म की तो ये होता है o c e a n ocean ठीक है ocean के नाम से पूछी जाती है कि पर्सनालिटी क्या होती है अब ओपननेस की बात करें तो यहाँ पे जो है पर्सन ओपन रहता है इमेजिनेशन पे बिलीव करता है कि जो भी इमेजिनेशन है सच होंगी नई लर्निंग्स को जो है अपनी लाइफ में आना चाहता है कि जो भी आया है नया सीखना चाहता है वो दैट इज ओपननेस हर चीज के लिए वो ओपन रहता है नया सीखने के लिए सब कुछ नया एक्सपीरियंस लेने के लिए कॉन्शियसनेस यहाँ पे वो थॉटफुल रहता है हर चीज को जो है अच्छे से सोच समझ के काम को करता है तो थॉटफुलनेस रहती है पहले से काम करने से पहले जो है चीजों के लिए सोचना प्री प्लानिंग करना किसी पर्सन से मिलना है तो सोच समझ कर जाना दैट इज कॉन्शियसनेस Virgin, जैसे कि अभी हमने uh, पढ़ा तो ऐसे persons जो easily जो है friendly हो जाते हैं हर चीज को जो है एग्री करना याने एक तरीके का ट्रस्ट बिल्डअप करना काइंडनेस वाली क्वालिटी होना दैट कम्स अंडर दीब फिर आता है इसका मतलब होता है ऑपोजिट ऑफ ऑल दैट ये सैडनेस को इंडिकेट करता है आपके मूड जब बैड मूड है आपका उसको इंडिकेट करता है आप इमोशनली जो है इनस्टेबल है उन चीजों को बताता है दैट इज द फाइव ट्रेड्स पर्सनालिटी तो ये ओवरऑल थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी जो है ये हमने देख लिए जो अलग-अलग साइकोलॉजिस्ट -अलग, के द्वारा दी गई है अब बढ़ते हैं हम टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक अब यदि हम बात करें ड्यूरिंग वेरियस ह्यूमन डेवलपमेंट स्टेजेस जैसे कि

और तीसरी जो स्टेज होती है दैट इज द एडोलेसेंस स्टेज पे हम आ, जो है अडल्ट के वे में जो है बिहेव करते हैं दैट इज द एडोलेसेंस स्टेज जिसे हम टीन भी कहते हैं और उसके बाद जो आती है हमारी ओल्ड स्टेज ठीक है यहाँ पे आपका सिलेबस यहाँ तक सीमित है तो हम ओवरबर्डन वाली चीजें कुछ भी नहीं देखेंगे ठीक है अब ह्यूमन डेवलपमेंट एक फिजिकल डेवलपमेंट होता है जहाँ पे आपका शारीरिक विकास होता है हाइट हेल्थ बढ़ती है है ना और फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होते हैं उसे हम कहेंगे फिजिकल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट यानी समय के साथ साथ धीरे धीरे ग्रो करती है मेच्योर होते हो आप तो उसको हम कहते हैं मेंटल डेवलपमेंट अब यहाँ पे जैसे हम बात करें इन्फेंसी स्टेज जैसे कि यूजली बाय बर्थ जो है हमारा वेट की यदि हम बात करें तो बीस से बाईस जो है इंच हमारी हाइट रहती है और लगभग जो है हम पांच से आठ पाउंड के जो है बाय बर्थ हमारा वेट होता है और धीरे धीरे ये समय के साथ जो है इंक्रीज करते हैं बोन्स की यदि बात करें हड्डियों की बात करें तो 207 से लगभग 300 के लगभग बोन्स जो है आपके छह सालों तक होती है है ना तो इस तरीके से जो फिजिकल स्ट्रक्चर आपका डेवलप होता है उसे हम कहते हैं फिजिकल डेवलपमेंट यहाँ पे चाइल्डहुड स्टेज में आपकी उम्र जो है बढ़ती है लगभग दस से बारह साल तक की जो है चाइल्डहुड स्टेज रहती है जहां पे आप स्कूल uh, जाना अपने फ्रेंड सर्कल के साथ खेलना इस तरीके की चीजें बढ़िया सा खाना खाना है ना ईट स्लीप इन चीजों के बारे में आप बहुत ज्यादा सोचते हैं फिर देन कम्स द एज ऑफ द मेच्योरिटी जिसे हम टीन भी कहते हैं यहाँ पे एज अ टीन आप डेवलप होते हैं बहुत सारे चेंजेस आते हैं आपके फिजिकल डेवलपमेंट में तो दैट इज द एडोलोसेंस स्टेज ठीक है फिर वहीं यदि हम मेंटल डेवलपमेंट की बात करें तो इन्फेंसी स्टेज ऐसी स्टेज होती है जहां पे बाय बर्थ पहले कुछ भी सेंसेशन नहीं होता है बच्चे को आप उसके सामने लाइट को ऑफ करो ऑन करो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है धीरे धीरे उसके अंदर सेंसेशन बढ़ता है एक महीने दो महीने तीन महीने के बाद जो है उसको पेन सेंसेशन होता है यानी यदि उसको कुछ इंजेक्शन इंजेक्ट किया है तो उसको दर्द होगा है ना और जैसे कि उसको साउंड सेंसेशन होगा कोई उसको आवाज देगा लगभग मंथ के समय की बात होगी कि आप उनको जो है कहीं किसी से किसी भी वे में साउंड क्रिएशन होगा तो उनको उस चीज का सेंसेशन होगा पहले तो उनका सेंसेशन वो ऑफ रहता है ठीक है साउंड सेंसेशन होगा पेन सेंसेशन ऐसे ही लाइट सेंसेशन कि आप लाइट बंद Uh, करोगे या ऑन करोगे तो पहले उन कोई रिएक्शन नहीं होगा लेकिन समय के साथ जब वो तीन महीने के चार महीने के होते हैं तो वो लाइट सेंसेशन को भी ऑब्जर्व करेंगे कि लाइट बंद हो रही है चालू हो रही है लगभग छह आठ महीने तक ये प्रोसेस चलता है इट डिपेंड्स ऑन अ चाइल्ड कि वो चार महीने में वो चीज सेंसेशन को अचीव करता है लेकिन धीरे धीरे यही एज रहती है जिसमें वो पेन सेंसेशन साउंड सेशन को समझता है फिर यहाँ पे धीरे धीरे जो है uh, इसी स्टेज में फिर जब वो छह महीने का होता है तो वो ये कोशिश करता है उसको जैसे जब उसको सेंसेशन नहीं समझ में आती है तो उसको भूख लग रही है तो वो क्या करेगा रोएगा उसके अलावा उसको कुछ समझ में ही नहीं आता है कि वो किस तरीके से बताएगा कि उसको भूख लग रही ही विल क्राई और शी विल क्राई ठीक है तो हम देखेंगे कि बच्चा छह महीने का आठ महीने का हुआ है उसको नहीं पता कि आग में हाथ डालने से हाथ मिलता है वो कोशिश करता है आग को पकड़ने की तो ये वो सेंसेशन होता है जहाँ पे बहुत ज्यादा मेंटली ग्रोथ नहीं होती है बच्चे की ये जो है पेरेंट्स के ऊपर पूरा डिपेंडेंट रहता है जैसे उसको पेरेंट्स मैच्योर uh, बनाते हैं वैसे धीरे धीरे वो सीखते जाता है लर्न करते जाता है फिर आती है आपकी चाइल्डहुड स्टेज जहाँ पे आपकी मेंटल एबिलिटी ग्रो होती है यानी आपकी ब्रेन जो है डेवलप होती है आप यहाँ पे बच्चा जो है वर्ड्स बोलना सीखता है फिर धीरे धीरे सेंटेंसेस बोलना सीखता है देखता है फैमिली का माहौल कैसा है लैंग्वेज कैसी वहां पे बोली जाती है उसका इस्तेमाल वो करता है कभी कभी लैंग्वेज वहां पे हम देखते हैं किसी किसी फैमिली में इंग्लिश लैंग्वेज बचपन से ही पेरेंट्स आपस में बात हैं तो बच्चा वही लैंग्वेज जो है सीख जाता है तो ये वो स्टेज है देन कम्स द स्टेज पे बच्चा जो है mature होता है होता खुद के डिसीजन को समझ पाता है कि मैं जो कोई भी एक्ट कर रहा हूं तो ये क्यों कर रहा हूँ एक बहुत अच्छी समझ डेवलप हो पाती है दैट इज द एडोलेसेंस स्टेज ठीक है अब फिजिकल डेवलपमेंट एंड मेंटल डेवलपमेंट किन चीजों पे निर्धारित रहता है कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट आपका शारीरिक विकास होता है और मेंटल डेवलपमेंट जो है दिस इज द स्टेज जहाँ पे आप मेंटली ग्रो करते हैं ठीक है तो इन्फेंसी की स्टेज में हमें बहुत ज्यादा अक्कल नहीं रहती है जो हमारे पेरेंट्स बताते हैं सिखाते हैं हम जो है यहाँ पे इन्फेंसी की स्टेज में तो ऐसा होता है कि हमारे लिए पूरी लाइफ जो है हमें लगती रियलिटी है लेकिन आर्टिफिशियल होती है हम जो है जो हमारे खिलौने रह, रहते हैं आप यदि किसी बच्चे को ऑब्जर्व करो तो वो खिलौने से बातचीत करेगा ट्रेन चल रही है तो वो ऐसा समझेगा रियल में वो चीज हो रही है है ना उसके खिलौनों के साथ तो वो वहां पे बातचीत करता है अपने के साथ कि, कि यहाँ पे सपोर्ट नहीं देगा तो वो गिर जाएगा दैट इज फिर धीरे धीरे क्रॉस करके तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड मेंटल एक जगह पे जहाँ पे आपका फिजिकल डेवलपमेंट होता है शारीरिक विकास हाइट हेल्थ फेशियल एक्सप्रेशन आपके बढ़ते हैं और मेंटल डेवलपमेंट में जो है आप मेंटली चीजों के लिए मेच्योर होते हो लर्न करते हो नॉलेज गेन करते हो तो कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो आपके फिजिकल डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है तो जो है हेरिडेटरी कभी कभी हम देखते हैं कि यदि पेरेंट्स की हाइट बहुत अच्छी है तो बच्चों की हाइट भी बहुत अच्छी होगी वहीं यदि पेरेंट्स की हाइट लिमिटेड है तो वहां पे बच्चों की हाइट भी लिमिटेड तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके फिजिकल डेवलपमेंट में कि हेरिडेटरी क्या है कभी कभी हम देखते हैं कि पेरेंट्स को यदि कोई डिसीज है जैसे कि शुगर डायबिटिक्स पेशेंट है तो वो चीज जो है बच्चे को बचपन से ही वो डिसीज हो जाता है है ना इट इज क्यूरेबल प्रिवेंटेबल लेकिन हेरिडिटरी कोई ना कोई इम्पैक्ट देती है यदि आपके पेरेंट्स के अंदर कुछ इश्यू है या कोई बहुत अच्छी चीज है तो वो आपके अंदर भी आएगी बैलेंस डाइट right? आप किस तरीके का खाना खाते हैं वो आपके फिजिकल डेवलपमेंट uh, को जो है बताएगा यदि आप हर तरीके का खाना खाते हैं तो इससे आपका ओवरऑल विकास होगा तो जो आपकी बॉडी में भी दिखेगा आप स्लीप एंड रेस्ट किस तरीके से करते हैं आपकी नींद प्रॉपर हो रही है कि नहीं हो रही है तो इससे जो है आपका फिजिकल डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा यदि आप नींद प्रॉपर नहीं ले रहे हैं आप रेस्टलेस हैं नींद नहीं आ रही है प्रॉपरली तो ये आपके शारीरिक विकास पे जो है कही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा एक्सरसाइज एंड योगा यदि आप एक्सरसाइज योगा स्पोर्ट्स जो है बहुत अच्छा करते हैं तो डेफिनेटली आपका फिजिकल डेवलपमेंट जो है एक बॉडी स्ट्रक्चर जो है बहुत अच्छा बनेगा आपका फैमिली इन्वायरमेंट कैसा है ये आपके फिजिकल डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट करता है फैमिली इन्वायरमेंट यानी यहाँ पे आ, आपकी फैमिली में किस तरीके का फूड खाते हैं यदि जंक फूड खाते हैं तो आप बहुत ज्यादा जो है फोकस ही नहीं करेंगे अच्छे खाने पर आप जंक फूड ही खाएंगे फास्ट फूड खाएंगे मैगी खाएंगे सारा दिन है हाँ ना यदि आपकी फैमिली में ऐसा है कि बहुत ज्यादा कॉशियस है इस चीज के लिए नहीं खाना प्रॉपर होना चाहिए हर चीज का कॉम्बिनेशन होता है प्रोटीन विटामिन और आयरन सब चीजों के कॉम्बिनेशन से मिलकर जो है खाना बनता है और आप आपकी फैमिली में वही चीज खाते हैं तो आपको भी धीरे धीरे वही चीजों की हैबिट रहेंगी तो ये फैक्टर्स इंपैक्ट करते हैं आपके फिजिकल डेवलपमेंट में है ना उस विकास में जो है मदद करते हैं ऐसे ही मेंटली आप ग्रो करते हैं हाँ यस yes, एक पॉइंट और है पॉवर्टी एंड नरिशमेंट हम ये देखते हैं कि आपका फिजिकल डेवलपमेंट उस चीज पे भी आपकी परवरिश कैसे हो रही है यदि आपके माता पिता जो है बहुत ज्यादा समृद्ध है बहुत ज्यादा रिच है तो वहां पे आपका फिजिकल डेवलपमेंट जो होगा वो अलग तरीके से होगा आपको हर सुख सुविधा होगी आपको जो है एक्सरसाइज के लिए अलग से इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे आपका खाना जो है बहुत ज्यादा पौष्टिक होगा हाइजीन से रिलेटेड होगा तो वो एक इम्पैक्ट यदि इसी का एक वर्षा करें कि आपकी वैसी स्थिति नहीं है थोड़ा सा फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो वो भी इम्पैक्ट करता है कि आपका नरिशमेंट जो है पालन पोषण ठीक ठाक होगा भाई एक प्रॉपर तरीके से खाना जरूरी नहीं है सबको मिल पाए तो वो इम्पैक्ट करता है आपके फिजिकल डेवलपमेंट में वही मेंटल डेवलपमेंट तो इसी यही पॉइंट्स कुछ हैं जो आपके मेंटली ग्रोथ को भी इम्पैक्ट करते हैं जैसे कि हेरिडिटरी आपके माता पिता का जो है आ, मेंटल डेवलपमेंट कैसा है क्या किस तरीके की सोच वो रखते हैं तो कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट आपके अंदर तो आएगा ही आएगा धीरे धीरे आप उसको विकसित करते हैं यदि आपको लगता है कि नहीं वो लिमिटेड है आपको और ग्रो करना है तो समय के साथ आप उसको ग्रो कर पाएंगे लेकिन उसका कुछ हिस्सा तो आपके अंदर आएगा ही आएगा फैमिली इन्वायरमेंट कैसा है यदि आपके आसपास में अः ऐसा देखा जाता है कि सबको जो है डांट पिटती है मार पिटती है तो जो है आपका मेंटली डेवलप भी आप वैसे ही होंगे आप भी वैसे ही बनेंगे आपकी सोच भी वैसे ही। लेकिन आपके फैमिली एनवायरमेंट ऐसा है कि आप देखते हैं कि सबको चाहे बड़े हैं छोटे हैं सबको रिस्पेक्ट दी जानी चाहिए कोई गेस्ट आ रहा है आपके घर पे तो उसको जो है आप पानी सर्व करते हैं या उनसे आप खाने पीने के बारे में पूछते हैं तो इस तरीके का माहौल होगा तो ऑब्वियसली आपका मेंटल डेवलपमेंट आपकी ब्रेन भी वैसे ही डेवलप होगी है ना तो ये बहुत जरूरी फैक्टर्स हैं जो हमारे व्यक्तित्व को बनाते हैं मेंटल डेवलपमेंट में कौन सा फैक्टर इम्पैक्ट करता है तो हमारा एजुकेशन कैसा है यदि हम पढ़े लिखे हैं तो ऑब्वियसली हमारी मेंटल एबिलिटी जो है बेटर होगी किसी ऐसे पर्सन से जो कि पढ़ा लिखा नहीं है ठीक है पढ़ा लिखा इन द सेंस डिग्रीज से नहीं आपने जो सीखा है समझा है एजुकेशन के वे से उसको आप किस तरीके से आपकी सोच के अंदर आपने उस चीज को ढाला हुआ है ना आप कितने मेच्योर हैं आपकी पढ़ाई लिखाई से तो एजुकेशन जो है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है देन हेल्थ यदि आप अच्छा हेल्दी खाना खाते हैं तो ऑब्वियसली वो आपके मानसिक विकास में बहुत ज्यादा योगदान प्रदान करता है यदि हम ऐसा खाना खाते हैं जो कि जैसे कि सपोज नॉनवेज खाते हैं या ऐसा खाना खाते हैं जैसे कि फास्ट फूड हो गए जो हेल्दी नहीं है तो कहीं ना कहीं वो हमारे मानसिक विकास में इम्पैक्ट करेंगे है ना देट इज अ चॉइस आप किस तरीके का खाना खाते हैं लेकिन ये इम्पैक्ट करता है आपके मेंटल डेवलपमेंट पे देन सोशल इंटरिएक्शन कि आप किस तरीके की सोसाइटी पे बिलोंग करते हैं आसपास की सोसाइटी कैसी है आपकी किस तरीके का माहौल है उससे आपका मेंटल डेवलपमेंट होता है यदि आपकी सोसाइटी में ऐसा है कि हर वीक जो है सब जने साथ में बैठकर जो है बातचीत करते हैं कि किसको क्या प्रॉब्लम है नेबरहुड में और उसको सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं तो आपका मेंटल डेवलपमेंट भी हर बार ऐसा होगा कि आप किसी ना किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे लेकिन अगर ऐसा है आपके आसपास का वातावरण ऐसा है कि हर जगह झगड़ा होता रहता है है ना तो जो है आपका विकास भी जो है कुछ इस तरीके से ही होगा तो ये फैक्टर्स हैं जो हमारे मेंटली डेवलपमेंट में इम्पैक्ट करते हैं और ये फैक्टर्स हैं जो हमारे फिजिकल डेवलपमेंट में इम्पेक्ट करते हैं जिससे एम सी क्वेश्चन बन सकते हैं कि इसमें से फिजिकल डेवलपमेंट का फैक्टर जो है कौन सा है और आपको चार ऑप्शन दे देंगे या इसमें से कौन सा नहीं है इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा या इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट क्या है तो जब हमने टॉपिक समझ लिया है तो आपको आसानी होगी एमसीक्यू को टिक करने में ठीक है बढ़ते हैं टुवर्ड्स द स्पिरिचुअल डेवलपमेंट जैसे हम कहते हैं आध्यात्मिक विकास और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जैसे हम कहते हैं बौद्धिक विकास स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का दोस्तों सिंपल सा मतलब ये है इससे हम कह सकते हैं दैट इज स्पिरिचुअल डेवलपमेंट यानी एक तरीके की सेल्फ अवेयरनेस आप कितने अवेयर हैं किसके प्रति खुद के प्रति आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं दूसरों के बारे में आप क्या सोचते हैं वर्ल्ड के बारे में क्या सोचते हैं एक तरीके से हम कह सकते हैं एक समझ जिसमें आप ये सोच पाते हैं कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है आपकी सोच क्या है है ना उस बारे में अगर ने या आपकी आध्यात्मिक विकास होता है तभी आप ये चीजों को सोच पाते हैं थॉट प्रोसेस क्या है हम ऐसा सोच रहे हैं तो क्यों सोच रहे हैं वॉट इज द रीजन बिहाइंड इट हमारा ऐसा बिहेवियर है तो वाई दैट इज अवर बिहेवियर दैट इज द सोशल डेवलपमेंट और सॉरी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट जहाँ पे हम स्पिरिचुअल जर्नी यानी हम अपना इंटरनल विश्लेषण कर पाते हैं इंटरनल एनालिसिस कर पाते हैं कि हमारी इंटरनल पर्सनैलिटी क्या है हम जो दूसरों को बोल रहे हैं क्या अंदर से भी हम वैसे ही हैं क्या और यदि यानी एक हम कह सकते हैं स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का मतलब होता है खुद से मुलाकात करना खुद के खुद को बेटर समझना कि हम किस तरीके की सोच रखते हैं क्या हम काइंड हैं अपने नेचर में कि हम सिर्फ ऊपर से बोल रहे हैं इन सब चीजों को समझने के लिए जो है अलग अलग चीजें होती हैं जिससे आप स्पिरिचुअली डेवलप हो सकते हैं जैसे कि हम देखते हैं मेडिटेशन है ना जो कि आपकी बहुत ज्यादा मदद करता है मेडिटेशन किसी भी टाइप का हो सकता है कोई कोई जो है ब्रीथिंग टेक्निक से जो है मेडिटेशन करता है यानी आप लंबी गहरी सांसें लेते हैं छोड़ते हैं और रिलैक्स रहते हैं तब आपको एनालिसिस होता है खुद के इंटरनल डीप में आप जा पाते हैं और सोचते हैं कि आप किस तरीके के व्यक्तित्व रखते हैं है ना ये होती है ब्रीथिंग टेक्निक कोई जो है सिर्फ ओम नाम का उच्चारण करता है या किसी दूसरे नाम का उच्चारण करते जो है अपने अंदर वो शांति की अनुभूति कर पाता है है ना कोई जो है सिर्फ अपने हार्ट पे फोकस करके आ, जो है आ, सब कुछ भगवान पे समर्पित करके जो है सिंपल से आंखें बंद करके बैठ जाना तो वहां पे जो है आपको जो शांति की अनुभूति होती है वहां पे आप खुद का रिफ्लेक्शन देख पाते हैं खुद की अनुभूति देख पाते हैं कि आप किस तरीके से बन रहे हैं ठीक है वहां पे आपको एक चीज और समझ में आती है कि आपकी जो थिंकिंग है उसको यदि आप चेंज करना चाहते हैं तो हाउ यू कैन चेंज इट ये चीज भी आप बहुत आसानी से या नहीं ये ऐसा विकास है जहां पे आपको ये समझ आ जाती है कि जो हमारा शरीर है जस्ट इट इज अ थिंग जहाँ पे हम आत्मा के बारे में बहुत कुछ सोच पाते हैं कि जो है हमारी आत्मा जो है ये एक इम्पॉर्टेंट सॉल है जिसके लिए हमें काम करना है हमें अच्छे कर्मास करने हैं हमें फालतू की चीजों में जो है इन्वॉल्व नहीं रहना है हम यहाँ पे मटेरियलिस्टिक जो चीजें हैं कि हमें ये प्राप्त करना है वो प्राप्त करना है उन चीजों को हम छोड़ देते हैं कि हमें पैसा कमाना है ये वो स्टेज है जहाँ पे आप रियलिटी ऑफ द लाइफ समझ जाते हैं कि भगवान एक है हमारा उद्देश्य एक है ठीक है तो दैट इज द स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का मतलब होता है ये अवेयरनेस होना कि इन सभी डेवलपमेंट से फिजिकल डेवलपमेंट मेंटल डेवलपमेंट फिजिक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट से जो आपके अंदर चेंज हुआ है यानी जैसे हम लिख सकते हैं जो चेंज ऑक्कर हुआ है उसका क्या रिजल्ट है उस चीज को एनालिसिस करना हम कह सकते हैं दैट इज योर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आपने क्या समझा सीखा है वो जो रिजल्ट दिख रहा है इन सभी डेवलपमेंट से दैट इज नोन एज द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ठीक है अब ये जो है आपके लर्निंग से आपने बहुत कुछ सीखा होगा एक तो वो चीज आ जाएगी दूसरा आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया होगा आपकी लाइफ से और उसकी वजह से आपकी कुछ पर्सनालिटी बनी होगी ये जो रिजल्ट दिख रहा है कि आपका व्यक्तित्व क्या है

क्या नॉलेज अर्न किया है अपनी पूरी लाइफ टाइम में यानी हमने क्या सीखा है क्या गेन किया है हमारे एजुकेशन से दूसरा हमारे आसपास के वातावरण से चाहे वो हमारी फैमिली हो हमारे दोस्त हो या हमारे आसपास की जो भी दुनिया है जिनसे हमारा कनेक्शन है तो वो जो भी हमारे आ, हमारा नॉलेज है उससे दूसरा जो भी हमारा बिहेवियर है वो झलकाता है हमारा चरित्र जो है वो कैसा है ठीक है तो इन दो चीजों से यूजली इन दो चीजों से मिलकर जो है हमारा कैरेक्टर बनता है और इससे हम जो भी सीखते हैं हम उसको नाम देते हैं वैल्यूज वो वैल्यूज या वो सिद्धांत हम अपनाते हैं अपनी लाइफ में ये वैल्यूज या सिद्धांत जो है तीन तरीकों से हो सकते हैं कि आपने अपनी लाइफ में एक कुछ पर्सनल सिद्धांत बना के रखे हैं कि ये मेरी वैल्यूज हैं इनसे मैं कभी समझौता नहीं करूंगा कोई भी सिचुएशन आ जाए हाँ एडजस्ट कर सकता हूँ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे दैट इज योर पर्सनल वैल्यूज दूसरी होती है जिसे हम इंडिविजुअल वैल्यूज भी कह सकते हैं कि हर इंसान की अपनी वैल्यूज होती हैं जैसे कि वैल्यूज को यदि हम एग्जाम्पल में देखें ताकि आप उसको बेटर समझ पाए जैसे कि ऑनेस्टी कोई भी सिचुएशन आ जाए मैं हमेशा ईमानदार रहूंगा कोई सी भी सिचुएशन आ जाए चाहे वहां पे आपका कोई अपना ही क्यों नहीं हो और कुछ गलत चीज हो रही है तो आप उस, उसमें ऑनेस्टी रखेंगे जैसे कि सच बोलना ट्रुथफुलनेस ये एक सिद्धांत है कि कोई सी भी सिचुएशन हो जाए हम आपने पर्सनली अपने नॉलेज के बेसिस पे बिहेवियर के बेसिस पे आपने अपनी एक वैल्यू बनाई है उसे हम कहेंगे पर्सनल वैल्यूज दूसरी होती है सोशल वैल्यूज सोसाइटी में कैसे उठना बैठना है किस तरीके का व्यवहार करना है वो एक आपकी वैल्यू होती है दैट इज द सोशल वैल्यूज जो हम गेन करते हैं बचपन से लेकर जो हमारी परवरिश हुई है हमारे माता पिता का क्या व्यवहार है हमारे माता पिता का जो नॉलेज है उन्होंने वो हमें ट्रांसफर किया है उससे जो हमने सीखा है और हम सोसाइटी में भी वही चीज करेंगे जो हमने आसपास के वातावरण से सीखा है सोशल वैल्यूज तो अब हमने दो तरीके की वैल्यूज देखी पर्सनल सोशल और तीसरी होती है हमारी मॉरल वैल्यूज यानी नैतिकता के तौर पे क्या सही है क्या गलत है चाहे तो आप इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए व्हाट इज राइट और रॉन्ग इस चीज की समझ और इस चीज को आप कितना जस्टिफाई करते हैं इस वैल्यू को कितना इम्पोर्टेंस देते हैं कि जो मॉरली गलत है तो गलत है फिर सामने कोई भी हो कैसे भी सिचुएशन हो आप मॉरली अगर सिद्धांतवादी हो तो आप उन चीजों का तो यही चीजें मिला के जो है पर्सनल वैल्यूज क्या हैं आपकी सोशल वैल्यूज क्या हैं आपकी मॉरल वैल्यूज क्या हैं ये सब मिला के जो है आपके चरित्र का निर्माण करती है ठीक है तो जो है इसे ही हम कहेंगे कैरेक्टर बिल्डिंग ओके अब यहाँ पे यदि जैसे हमने बात की कि पर्सनल या इंडिविजुअल वैल्यूज की यदि बात की तो जो है आपने आ, अपने अंदर जो है सेल्फ डिसिप्लिन की एक वैल्यू एडॉप्ट की है कि मैं जो हूँ सेल्फ डिसिप्लिन रहूंगा यानी आपको कोई सुबह उठने के लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं है लेकिन आपने अपने आप में तय किया है कि मुझे पाँच बजे जो है उठना है यानी उठना है या आपने अपने अंदर जो है एक क्वालिटी डेवलप की है तो ये आपकी वैल्यू है ये आपकी इंडिविजुअल चॉइस है जो आप करना चाहते हैं की की अब खुद से किसी की रोक टोक नहीं कुछ नहीं तो ऐसी जो भी क्वालिटीज होती हैं क्वालिटी हम्बल रहना ये आप खुद चुनते हैं ये आपको कोई सिखाता नहीं है हाँ बचपन में पेरेंट्स आपको डेफिनेटली गाइड करेंगे लेकिन आपने खुद से चुना है कि मुझे जो है नम्र रहना है कोई भी सिचुएशन आ जाए है ना मुझे जो है पेशेंटली uh, हर चीज को डील करना है चाहे कितनी भी एग्रेसिव कंडीशन क्यों नहीं हो गुस्से वाली सिचुएशन क्यों नहीं हो लेकिन मुझे हम्बल रहना है ऐसे ही हमने देखा कि ऑनेस्टी हो गई आपकी ये क्वालिटीज ट्रुथफुलनेस हो गई ये सब आप चॉइस करते हैं ये वैल्यूज अपनी लाइफ में समय, समय समय से ये चीजों को आप सुधारते जाते हैं जैसे टाइम मैनेजमेंट बचपन में हम इतने टाइम की कीमत नहीं करते हैं लेकिन एक समय के बाद धीरे धीरे हमें रियलाइज होता है कि समय मूल्यवान है उसे वेस्ट नहीं करना है तो हमने अपने अंदर डेवलप की एक वैल्यू दैट इज टाइम मैनेजमेंट कभी भी समय का दुरुपयोग नहीं करना है तो ये एक वैल्यू है जिसको आप किसी भी बेसिस पे जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे तो इससे आपका चरित्र का निर्माण होगा अपने अंदर वो चीजें झलकेंगी जो आप अपनी लाइफ में एक एक खूबियां डालते जाएंगे उससे जो है आपका चरित्र का निर्माण होगा ठीक है अगर हम समय की कीमत नहीं करेंगे तो हमारा चरित्र वैसे झलकेगा ना लोग हमारी कदर करेंगे ना हम लोगों की कदर कर पाएंगे तो ये इन सब चीजों से मिलकर जो है दैट इज बिल्ट अप अवर कैरेक्टर बिल्डिंग ठीक है अब ये कैरेक्टर बिल्डिंग जो है दो तरीकों से हो सकता है एक तो होता है आपका पर्सनल कैरेक्टर दूसरा होता है नेशनल कैरेक्टर यानी आप खुद के लिए क्या निर्माण किया है आपने किन वैल्यूज का अः किया है अपनी लाइफ को बनाने के लिए यानी यहाँ पे बात आती है खुद की ऑन वैल्यूज को आपने कैसा बिल्टअप किया है दैट इज योर पर्सनल कैरेक्टर नेशनल कैरेक्टर दूसरों के लिए आप कैसा सोचते हैं है ना दूसरों के लिए आप कैसा सोचते हैं दैट इज द नेशनल कैरेक्टर जिससे आप पूरी सोसाइटी का भला करते हैं ऐसा नहीं है कि खुद का भला करने के चक्कर में दूसरों का बुरा करना दैट इज द नेशनल कैरेक्टर ओवरऑल सभी के लिए सोचना दैट इज नेशनल कैरेक्टर ठीक है तो ये टॉपिक है कैरेक्टर बिल्डिंग जिसमें हमने देखा चरित्र का निर्माण जो है किस तरीके से हो सकता है जब आप इंडिविजुअली चीजों के लिए अच्छा सोचते हैं तो ओवरऑल नेशन के लिए अच्छा हो जाता है दैट इज द नेशनल कैरेक्टर और जब आप इंडिव्यूजुअली खुद के लिए अच्छा नहीं सोच पाते हैं तो वो वहां पे नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है ओवरऑल आपके आसपास के वातावरण में भी बढ़ते हैं टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक पंचकोश थ्योरी तो पंचकोष थ्योरी इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम कह सकते हैं जिसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एमसीक्यू बेस्ड तो लेटस सी वॉट इज पंच कोश थ्योरी स्वस्थ जीवन हेल्थी लिविंग कैन बी अटेंड ओनली इफ एन इंडिव्यूजल इज हेल्दी इन ऑल स्पियस ऑफ लाइफ आपको एक हेल्दी लाइफ तभी मिलेगी जब आप आ, हर पैमाने पर जो है स्वस्थ हैं हेल्दी हैं चाहे वो फिजिकल डेवलपमेंट हो आपका मेंटल डेवलपमेंट हो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो या फिर स्पिरिचुअल तो उसके लिए ही आपको पंचकोश थ्योरी मदद करती है लेटस सी लीडिंग अ वर्चुअस लाइफ लीड्स टू हेल्दी एग्जिस्टेंस अट सर का फिजिकल मानसिक शरीर का फिजिकल मानसिक मेंटल आत्मिक यानी स्पिरिचुअल लेवल्स जब आपको एक अच्छी लाइफ जीनी है याने qualitative लाइफ जीनी है तो उसमें जरूरी है कि हेल्दी एक्सिस्टेंस हो आपके शारीरिक मानसिक एंड आत्मिक लेवल का जो है डेवलपमेंट किया जाए ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड जैसे हम कहेंगे अन्न एंड ब्रीथिंग अ प्योर प्राण यानी जो आपकी ब्रीथिंग है वो प्योर होनी चाहिए उत्तम निश्वास उच्चवासा द अन्य एंड कोश यानी आपके पांच कोश हैं जिसे हम कहते हैं पहले कोश को अन्य मया जिसमें आप सही खाने का चुनाव करते हैं जिससे आपकी फिजिकल डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है शारीरिक विकास बहुत अच्छा होता है आप हेल्दी रहते हैं दट इज दया दूसरा होता है प्राण मया जिसमें आप प्राणायाम की मदद से जो है अपने अंदर ब्रीथिंग को प्योर करते हैं प्योर ब्रीथिंग आती है आपके इनहेल एंड एक्सल जब सुबह सुबह उठ के जब हम ब्रीथिंग करते हैं तो उससे हम डेवलप करते हैं अपने अंदर प्राणा कोश तो ये आपके फिजिकल एंड मेंटली विकास करता है आगे पढ़ते हैं एंगेजिंग इन कंटेम्पलेशन एंड रिफ्लेक्शन स्ट्रेंथन द टू कोश यदि हम इनको अपने अंदर इन्वॉल्व करते हैं हम ध्यान रखते हैं कि हमें ब्रीथिंग हैबिट जो है डेवलप करना है और अच्छे खाने का चुनाव करना है तो इससे ये दो कोश को जो है हम अच्छा कर पाएंगे फिर आगे उन्होंने कहा है कि इंगेजिंग इन कंटेम्पलेशन एंड रिफ्लेक्शन जब हम खुद के बारे में सोचेंगे खुद के बारे में अवेयर रहेंगे तब हम बाकी दो कोश जो है मनोमय एंड विजानमय कोश को जो है बेटर कर पाएंगे कैसे इंगेजिंग इन मेडिटेशन एंड अदर आत्मिक क्रिया जैसे हम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज भी कहते हैं स्ट्रेंथन द आनंदमय आनंदमया कोश When all the five kosha functions in harmony, it enriches balance in life. जब हम इन पांचों कोशों को का सही इस्तेमाल करते हैं बैलेंसिंग वे में तो हम अपनी लाइफ को बेटर बना पाते हैं अब ये पांच कोश को यदि हम समरी लें कि ये पांच कोश क्या है और किस तरीके से हमारी मदद करते हैं द फाइव कोश आर अन्नमया कोश जिसे हम कहते हैं फुट सीत सीत का मतलब होता है एक तरीके से कवर यदि हम अच्छा खाना खाते हैं तो जो है हम अपने अन्नमय कोश को सही रखते हैं, बैलेंस रखते हैं हैं बैलेंस दूसरा यानी हमारी बॉडी जो है इन पांच कोशों से मिलकर बनती है और इन सभी का यदि हम सही तरीके से इनकी भरपाई करेंगे इनकी पूर्ति करेंगे तो हम हम जो है एक हेल्दी लाइफ स्वस्थ जीवन जो है जी पाएंगे प्राणमय कोश जो हमें एनर्जी देता है यानी ये किससे होगा ब्रीथिंग या योगा से जो है आपका प्राणमय कोश जो है स्ट्रेंथन होगा मजबूत होगा फिर आता है आपका मनोमय कोश जिसे मेंटल स्ट्रेंथ जो है जिससे बेटर होगी यानी ये होगा आपका प्योरली आप मेंटल डेवलपमेंट किन चीजों से करते हैं किस तरीके की बुक्स पढ़ते हैं किस तरीके से नॉलेज आप गेन करते हैं किस तरीके से आप एक्सरसाइज करते हैं उससे फिर आता है आपका विजयमय कोश जिसे हम इंटेलेक्चुअल सीट भी कहते हैं बौद्धिक विकास जो है आपका इससे होता है और आखिरी में जो आप परम आनंद की प्राप्ति करते हैं जैसे हम कहते हैं आनंदमय कोश और ब्लेस स्लीप तो ये दोनों जो है हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन जैसे कि अभी हमने बात की थी मेंटल डेवलपमेंट में मेडिटेशन की मदद से अलग अलग तरीके से ब्रीथिंग से हम मेंटल डेवलपमेंट को अच्छा कर सकते हैं जहां पे हम स्पिरिचुअली कनेक्ट होते हैं ठीक है वो मेडिटेशन ओम के उच्चारण से हो सकता है साइलेंटली ब्रीथिंग से हो सकता है शांति से बैठने से हो सकता है आंखें बंद करके तो उससे आप आनंदमय पीसफुल लाइफ जिएंगे जब हम इन पांचों का बैलेंस कर पाते हैं अपनी लाइफ में तो हमें किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है जब हम अच्छा खाना नहीं खाएंगे तो हमारे अंदर प्रॉपर एनर्जी नहीं जाएगी जो हमें इंटरनली मजबूत करता है फिजिकली हमें मजबूत करता है तो यदि हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारा सर दुखेगा हेड होगा या और कोई शरीर में आपको दिक्कत आएगी है ना वो नहीं आएगी तो हम प्रॉपर एनर्जी नहीं गेन कर पाएंगे यदि हम प्रॉपर एक्सरसाइज या स्पोर्ट्स नहीं करते हैं तो उसके अपने नुकसान है हम जो है अंतर आत्मा से खुश नहीं रहेंगे है ना हम दुखी रहेंगे तो इन पांचों कोशों का जरूरी रहना बैलेंस रहना हमारी लाइफ में जरूरी है बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाते हैं एमसीक्यू बेस्ड के हिसाब से यदि बात करें तो आपसे पूछा जा सकता है कि पांच कोष में से हो सकता है एक कोष को छुपा दें या एक कोच एक कोई थ्योरी पूछे कि ये अन्य कोष जो है किस चीज से स्ट्रेंथन हो सकती है फूड एनर्जी मेंटल इस तरीके से पूछ लिया जाए तो ये आपसे एमसीक्यू बेस में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ठीक है अब पंच को ही यदि हम आगे थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री को जाने कि ये कहां से आया है क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है ठीक है तो यजुर्वेद की बात करें इन यजुर्वेद तृतीय उपनिषद इज मैं विच इज उपनिषद तृतीय उपनिषद इज वन ऑफ द लिविंग ट्रेडिशन ऑफ द इंडियन स्पिरिचुअल हेरिटेज इज स्प्रेड प्रैक्टिस उपनिषद अगर हम पांच कोश की बात करें तो ये कहाँ से आया है यजुर्वेद के त्र, आ, यजुर्वेद में तृतीय उपनिषद जो है सबसे पुराना उपनिषद जिसे हम मानते जिसमें आपको किस तरीके का जीवन जीना है उसके बारे में बताया गया है the whole subject material of तृतीय उपनिषद is mentioned in the तृतीय arnayaka कौन कौन से चैप्टर में सेवन एट नाइन ऑफ तृतीय उपनिषद में आपको एक हेल्दी लाइफ स्वस्थ जीवन कैसे जीना है उसके बारे में बताया है इन तृतीय उपनिषद थ्री ब्रॉडर चैप्टर्स आर मेंशन जिसमें आपको शिक्षा वाली ब्रह्मानंद वाली एंड भिघु वाली के नाम से जो है आपको समझाया गया है लिविंग अच्छी हेल्दी लिविंग कैसी होनी चाहिए उसके बारे में पंचकोश इज द मोस्ट पॉपुलर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम तृतीय उपनिषद ये एमसीक्यू बन सकता है विच इज मेंशनड बाय द डायलॉग बिटवीन गुरु वरुण एंड हिज सन भिगु के बीच में जो कन्वर्सेशन हुआ था हेल्दी लाइफ के बारे में उसको जो है वर्णन किया गया है इस उपनिषद में ठीक है तो ये इसकी हिस्ट्री हो गई जिसको हमने बेसिकली समझ लिया अब इसको यदि हम समराइज करें सभी कोशों को तो ये हमारे कोष दिए गए हैं अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय एंड आनंदमय इसकी यदि फीचर्स की बात करें तो इनर्शिया मूवमेंट जहां पे आप यहाँ पे आप फिजिकल मूवमेंट फूड किस तरीके का चुनाव करना है खाने का वेजिटेबल्स का उपयोग ओवरऑल का प्रोटीन को बढ़ाना और मूवमेंट यानी यहाँ पे ब्रीथिंग के लिए हम सोचते हैं यहाँ पे मनोमय में आप पैसिव नॉलेज अंदरूनी नॉलेज को गेन करते हैं आप एक्चुअली uh, रहस्य समझने की कोशिश करते हैं कि लाइफ का रहस्य क्या है मटेरियल चीजों में नहीं है यहाँ पे विज्ञानमय में में, आप नॉलेज जो आपने एक्वायर किया है उसमें डिसीजन मेकिंग ये आपको मदद करती है आनंदमया में आपको इंट्यूशन कभी कभी हम बोलते हैं कि इस इंसान से मिलकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है या कभी कभी हम ऐसा बोलते हैं इस इंसान से मिलकर मुझे पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लग रहा है या आपकी इंट्यूशन आपको बताती है आपकी वाइब्रेशन आपको बताती है दिल की कि ये इंसान कैसा है तो ये कब आता है जब आप आनंदमय क्वेश्चन स्पिरिचुअली आप बहुत ज्यादा डेवलप हो जाते हो आप आपके आसपास में हर चीज का कॉम्बिनेशन आप खाना अच्छा खाते हो मेंटली डेवलप हो योगा करते हो ब्रीथिंग एक्सरसाइज प्रॉपर करते हो तो जो है आप आनंदमय को प्राप्त करते हो जहां पे आप ये समझने लगते हो कि क्या अच्छा है क्या बुरा है आपको खुद ही महसूस होने लगता है कि क्या अच्छा है ये आइडिया जनरेशन इन चीजों के बारे में सोचते हो अब इसकी बात करें क्वालिटी तो ये एक तरीके की पैसिविटी के बारे में होता है ये एक्टिविटी नॉलेज गेन करता है ये इंटेलेक्चुअल एंड ईगो की चीजें यहाँ पे आ जाती है और यहाँ पे आप परमानंद खुश रहते हैं हर स्थिति आपके साथ जो स्थिति हो आप सुख है आपके लाइफ में दुख है लेकिन आप खुद के अंदर शांति महसूस करते हो ठीक है शक्ति यदि हम बात करें किस तरीके की एनर्जी यहाँ पे आपको रिसीव होती है अवर्ण तो शक्ति यहाँ पे क्रिया शक्ति यहाँ पे इच्छा शक्ति यहाँ पे आप ज्ञान शक्ति सीखते हैं यहाँ पे भोग शक्ति का जो है आप सरेंडर uh, करते हैं पावर एनर्जी अनकॉन्शियस रहते हैं यहाँ पे एक्टिविटी होती है यहाँ पर विल पावर मजबूत होता है फिर विजडम गेन करते हैं नॉलेज गेन करते हैं यहाँ पे आप, आपकी यदि ऐसी कंडीशन है हर हाल में आप खुश हैं परम आनंद की गति में हैं सुख हो या दुख हो आप दोनों को एक जैसा मानते हैं तो आप आनंदमय कोश में हैं तो दिस इज ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ऑल पंच कोश जो कि तृतीय उपनिषद में बताया गया है ठीक है तो ये हो गया आपका पंच कोश के बारे में अब यदि हम बात करें यूनिट नंबर टू में तो यूनिट नंबर टू आपको बताता है कि आपकी आइडियल डेली रूटीन और सब्सटल एक्सरसाइज एंड बैलेंस डाइट जो कि कॉमन सा टॉपिक है इसके बारे में अगर आपको आप स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है तो आपको और ज्यादा बेहतर पता होगा तो ये आपको और हेल्प करेगा टूवर्ड्स द क्वेश्चन सॉल्विंग तो एक आइडियल डेली रूटीन कैसा होना चाहिए भाई अच्छा खाना खाना सुबह उठते से प्रेयर करना पानी पीना तो आइडियल डेली रूटीन इस तरीके से एक्सरसाइज करना जो वार्मिंग अप एक्सरसाइज है वो रेगुलर करना यदि आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं बैलेंस डाइट यानी अच्छे खाने का सभी आ, उसका कॉम्बिनेशन जिससे आपके अंदर विटामिन प्रोटीन आयरन किसी भी चीज की कमी ना हो दैट इज द बैलेंस डाइट तो ये हम वैसे भी लिख सकते हैं थो, थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज ले, ले लेते हैं ताकि आपको रफली आइडिया हो जाए बाकी दिस इज द कॉमन टॉपिक जैसे कि ड्रिंक वाटर वेन यू गेटअप जैसे ही आप उठते हैं तो एक अच्छा रूटीन हम कहें या एक बैलेंस डाइट भी आपके अंदर कैसे बनेगा जब आप सुबह उठते से जो है यूजली कहा जाता है कि आप पानी पीजिए हैव है ब्रेकफास्ट एक्सरसाइज प्रॉपर ब्रेकफास्ट कीजिए एक्सरसाइज कीजिए जो स्पेशली अगर आप पूरी तरीके से एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं तो यूजली आप वार्म अप एक्सरसाइज कीजिए जिससे जो है आप uh, आपके शरीर में जो है स्टेगनेंट ना हो एकदम फिक्स ना हो जाए फ्लेक्सिबल होनी चाहिए आपकी बॉडी है ना तो वो उस चीज का प्रयास करना प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड हमेशा धन्यवाद करना क्योंकि आपको जो हर दिन मिलता है वो भगवान की इच्छा से मिलता है तो उस चीज के लिए हर दिन के लिए शुक्रिया करना कि कल का दिन जैसा भी था आज का दिन फिर है मेरे पास फिर कुछ नया करने के लिए कुछ नया बनाने के लिए कुछ अच्छा सीखने के लिए लोगों की मदद करने के लिए जो भी आपकी लाइफ में अच्छा वैल्यू है उस चीज के लिए या जो आपको लगता है भगवान ने ये आपको बहुत अच्छी चीजें दी हैं आपकी लाइफ में उसके लिए धन्यवाद करना तो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना रीड समथिंग हमेशा हम अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं कुछ अच्छा पढ़कर तो कोशिश करना कि एटलीस्ट आप रीडिंग हैबिट अपने अंदर बिल्ट अप करना जिनके अंदर ऑलरेडी रीडिंग हैबिट है उनकी बात छोड़ दें यदि किसी को इनिशियली रीडिंग हैबिट करना है एक पेज से स्टार्ट करिए कि मुझे सिर्फ एक पेज पढ़ना है धीरे धीरे वो हैबिट कब बढ़ जाएगी हमें भी नहीं पता पड़ेगा तो एक आइडियल डेली रूटीन में कुछ चीजें जो जरूरी हैं हम जैसे कि अभी हमने पांच कोशों के बारे में पढ़ा है तो वो पांच कोश कैसे डेवलप होंगे जब हम अपने आप को एक्सरसाइज करेंगे मेंटली डेवलप होंगे तो वो किन चीजों से होंगे इन्हीं चीजों से प्रैक्टिस जब हम ग्रेटिट्यूड यानी हम उस चीज के लिए धन्यवाद कर रहे हैं जो भगवान ने हमें बनाया है तो हमें उस लाइफ की कीमत रहेगी यदि हम ग्रेटिट्यूड करना छोड़ देंगे हम सिर्फ कंप्लेन करेंगे कि भगवान ने मुझे ये भी नहीं दिया है वो भी नहीं दिया है तो वो बेटर है ग्रेटिट्यूड की भावना कैसे आएगी कभी कभी प्रॉब्लम आती है कि हम कर तो लें लेकिन हमारे अंदर भावना ही नहीं है ग्रेटिट्यूड की हमें धन्यवाद ही फील नहीं होता है तो वहां पे हम ग्रेटिट्यूड की भावना सीख सकते हैं अपने से कम लोगों को देखकर जैसे हमारे पास आज फिजिकली यदि हम फिट हैं तो हम ऐसे लोगों को देखें कि जिनके हाथ पैर नहीं है वो भी बहुत अच्छा अपनी लाइफ में कर रहे हैं तो हम भगवान को इस चीज़ के लिए धन्यवाद कर सकते हैं कि यार भगवान आपने मुझे बहुत फिट बनाया है हमें जिस चीज़ की कंप्लेंट है हम उससे छोटे तबके के इंसान को देखें कि वो कैसे परफॉर्म कर रहा है तब हमारे अंदर भावना आएगी कि अरे हम हमारे अंदर इतनी सारी चीज़ें इतनी सारी क्वालिटीज भगवान ने दी है उसके बाद भी हम कंप्लेन करते हैं तो दिस इज द थिंग जो हमारी लाइफ को बनाता है तो रीड समथिंग मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है कि सुबह आप एटलीस्ट पांच मिनट से शुरुआत करें कि शांति से बैठ जाएं आंखें बंद करके मोबाइल फोन को स्विच ऑफ करके आ, टेक अ डीप ब्रीथ इन आउट तो धीरे धीरे जो है आप मेडिटेट करना सीख जाएंगे तो मेडिटेशन से जो है हम अपनी सेल्फ केयर कर पाएंगे हम खुद को समझ पाएंगे तो एक तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि खुद का ध्यान कैसे रखें क्योंकि अल्टीमेट एम क्या है हमारा पैसा कमाना ये सब चीजें लाइफ की ठीक है दिस इज़ द द अल्टीमेट गोल इज कि हम एक सोल है हमारी जो जर्नी है वो कंप्लीट होनी चाहिए ठीक है तो खुद का ध्यान रखना सबके लिए अच्छा करने करना बट उसके साथ खुद के लिए भी सोचना ऐसे ना हो कि सबके लिए करते करते खुद को भूल जाना सेल्फ केयर बहुत जरूरी है आपको जो आपकी पसंदीदा चीजें हैं उनको करना यदि हम खुद का सेल्फ केयर करेंगे खुद का ध्यान रखेंगे तो ही हम अंदर से खुश रहेंगे और जब हम अंदर से खुश रहेंगे तो ही हम सभी को खुश रख पाएंगे सो प्रैक्टिस सेल्फ केयर अब यहाँ पे हम बात करें कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थी बैलेंस डाइट यानी ये तो हो गया कि हमारा आइडियल डेली रूटीन ऐसा होना चाहिए कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए कुछ आप आपकी तरफ से आप बनाएंगे जैसा आपका बिहेवियर है कि आपको और क्या चीजें पसंद है जिससे आपकी लाइफ बेटर हो सकती है सबकल एक्सरसाइज कुछ वार्म अप एक्सरसाइज करना जो कि जरूरी है जैसे कि हैंड मूवमेंट्स की uh, के कोई एक्सरसाइज लेग मूवमेंट्स की एक्सरसाइज है ना uh, तो उससे क्या है कि एक बेटर फिजिकल डेवलपमेंट हो पाएगा अब बैलेंस डाइट आपका खाना पीना ओवरऑल अच्छा होना चाहिए जिससे आपका पहला कोष जो है अन्य मय कोष वो फुलफिल होता है जिससे आप एनर्जी गेन कर पाते हैं पूरे दिन चलना है खाना पीना बंद कर देंगे तो जो है हम धीरे धीरे अपने शरीर को जो है सुस्त महसूस करेंगे है ना तो इसके कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं कंपोनेंट्स ऑफ हेल्दी बैलेंस डाइट तो इसमें जो है आपका फूड जो है कॉम्बिनेशन ऑफ फूड्स जिसमें आपको प्रोटीन ओके कार्ब्स जो है मिल पाए कार्बोहाइड्रेट्स हर्ब्स uh, जो है आप ज्यादा गेन कर पाओ जैसे हर्ब्स जो है uh, ज्यादा से ज्यादा आपको मिल पाए फाइबर का कंजप्शन जो है ज्यादा होना चाहिए जिससे जो है बहुत सारी प्रॉब्लम जैसे कॉन्स्टिपेशन वगैरह ये सब हट जाता है फाइबर किन चीजों से मिलता है जैसे फ्रूट्स की हम बात करें तो पाइनएपल ऐसा फ्रूट है जिसमें बहुत ज्यादा फाइबर रहता है तो इस तरीके के फ्रूट्स का कंजप्शन करना तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रूट्स का प्रॉपर कंजप्शन करना इस तरीके से वेजिटेबल्स आप किस तरीके का वेजिटेबल्स कंज्यूम करते हैं जिससे आपकी ओवरऑल बॉडी डेवलपमेंट हो पाए ठीक है फिर यदि हम बात करें कि किस तरीके के ग्रेन्स आप कंज्यूम करते हैं राइस व्हीट इन सबका कॉम्बिनेशन होना चाहिए क्योंकि हर फूड का अपना महत्व होता है और वो आपको कुछ न कुछ एनर्जी गेन करवाता है ठीक है तो इस तरीके से जो है कॉम्बिनेशन ऑफ ओवरऑल फूड होना चाहिए कोई ऐसा पर्सन है जो सिर्फ अनियन खाता है फ्रूट नहीं खाता है किसी तो उसमें किसी ना किसी विटामिन की कमी रहेगी है ना तो जैसे ऐसा कहा जाता है कि यूजली इफ यू हैव अ ऑफ विटामिन डी या डी थ्री की आपके अंदर कमी है तो आपके अंदर सूरज की लाइट की रोशनी जो है आपने बचपन में बहुत कम आप धूप में बैठे हैं तो सुबह सुबह की जो प्योर सनरेज होती है उसको आप गेन करिए ठीक है फूड की चॉइस जो हम खाते हैं एक हेल्दी खाना खाना सात्विक खाना खाना जिससे हमारी आ, फिजिकल डेवलपमेंट जो है बहुत अच्छा हो सके हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ रह सके ताकि किसी भी विटामिन की कोई कमी ना हो किसी भी प्रोटीन या किसी भी एनर्जी की कोई कमी ना हो ताकि जो है हम अपने जिस उद्देश्य के लिए आए हैं उसके प्रति जो है हम बहुत ज्यादा सतर्कता से कम काम कर पाए यदि हम बैलेंस डाइट नहीं खाते हैं तो इससे क्या प्रॉब्लम होगी यदि हम बैलेंस डाइट नहीं खाते हैं यानी हम हेल्दी लाइफ नहीं जी पाएंगे क्योंकि हमारा शरीर जो है आए दिन हम बीमार पड़ेंगे यदि वो कॉम्बिनेशन बीमार पड़ रहे हैं तो हम बाकी चीजों में हमारा ध्यान ही नहीं जाएगा जो हम रेगुलर के काम करते हैं वो भी हम नहीं कर पाएंगे तो इसलिए जो है बैलेंस डाइट का होना बहुत जरूरी है हमारी लाइफ में ठीक है अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स द अदर टॉपिक दैट इज अस्टांगना योगा क्या होता है इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एट लिम्स ऑफ योगा आइए इसको पढ़ते हैं इन संस्कृत अष्टांगना मीन्स एट लिम्ड यानी का मतलब एट और अंग का मतलब योगा इज एन अचीविंग द स्टेट ऑफ योगा ऑल्सो नोन समाधि समाधि प्राप्त करने के लिए एट स्टेजेस बोले या एट लिम्ब योगा होता है उसको यदि हम कंप्लीट करते हैं तो हम समाधि की स्टेज तक पहुंच पाएंगे ठीक है द डेफिनेशन ऑफ अष्टांगना योगा

फिलोसफिकल स्टेटमेंट्स जिसे हम कहेंगे उसमें यानी योगा से रिलेटेड थ्योरी लिखी हुई है ऑन द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ योगा डिवाइडेड इनटू फोर बुक्स और जिसे हम कहते हैं बड़ास ठीक है तो ये जो है चार बुक्स में डिवाइडेड की गई है यानी उसके फिलोसफिकल स्टेटमेंट्स लिखे गए हैं रिगार्डिंग द एट लिम्स या जिसे हम अस्टान योगा कहते हैं उसके बारे में ठीक है आगे पढ़े योगा इज

कौन सी बुक में है उसको मेंशन किया है बुक टू ऑफ जो पतंजलि की सूत्र बुक थी उसमें साधना पाड़ा जिसे कहा जाता था जो जा चैप्टर ऑन योगा प्रैक्टिस दिया गया है सूत्र 2.29 स्टेट्स वो क्या बताता है इसके बारे में दिस कैन बी ट्रांसलेटेड एस द एट लिम्स ऑफ योगा आर जो एट लिम्स हैं उनके क्या क्या नाम है और किन चीजों का फॉलो अप करना रहता है समाधि को प्राप्त करने के लिए यमा नियम आसन प्राणमय प्रार्थारा धरना ध्यान एंड समाधि जिसको अभी हम डिटेल में देखेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन अष्टांग योगा जो है वो है वो कंप्लीट होता योगा की कंप्लीटनेस हम जिसे कह सकते हैं ठीक है आइए इसको डिटेल में पढ़ते हैं सबसे पहले यमा यमा का मतलब क्या होता है रिस्ट्रेन और ऑब्जर्वेंस रिगार्डिंग हाउ एस्पायरिंग योगी शुड रिलेट टू हिज और हर कम्युनिटी वो अपनी कम्युनिटी में कोई भी पर्सन जो आ, आ, यमा कर रहा है वो अपनी कम्युनिटी में किस तरीके से व्यवहार करता है किस तरीके का ऑब्जर्वेशन है आ, उस चीजों को बताता है यमा अब इसमें किन चीजों का ध्यान रह जाएगा यानी किन चीजों का वो फॉलोअप करेगा अपनी आसपास में नॉन वायलेंस कि कभी भी वायलेंस से जो है किसी चीज का जवाब नहीं देना यानी किसी को मारना नहीं नॉन वायलेंस यानी शांति से किसी चीज का सुलझाना सुल, सुल किसी चीज को सत्य नॉट स्टीलिंग कुछ भी चोरी चकारी नहीं करना ब्रह्मचार्य यानी कंजर्वेशन ऑफ अ विटल एनर्जी जो इंपॉर्टेंट एनर्जी जरूरी है हमारी लाइफ के लिए उसका ऑब्जर्वेशन करना अपहरघारा नॉन हॉर्डरिंग यानी किसी भी तरह की कोई भी गलत चीजें नहीं इन्वॉल्व करना ये होता है आपका यमा और जिसे हम कहेंगे फर्स्ट लिम ऑफ अष्ट योगा है ना अब सेकेंड जो है नियम दी नियमा यानी ये नाम है संस्कृत से इसलिए नियमा स्पेलिंग दी गई है नियम का अडोप्शन यानी एक प्रॉपर डिसिप्लिन होना आपकी लाइफ में नियम क्या बताता है इंटेंस ऑब्जर्वेशन दैट एस्पायरिंग योगी शुड कैरी आउट इन हिस और डेली लाइफ में किस तरीके से होना चाहिए इन ऑर्डर टू हैव अ बॉडी एंड माइंड सुटेड फॉर योगा जिससे आपकी बॉडी और माइंड जो है योगा के लिए प्रिपेयर हो ऐसे नियम को अडॉप्ट करना यमा में क्या था ऐसा ऑब्जर्वेशन करना रिगार्डिंग हाउ द एस्पायरिंग योगी शुड रिलेट टू हिस और हर कम्युनिटी में उसको कैसा व्यवहार करना है उसको नॉन वायलेंस का उपयोग करना है वायलेंस से नहीं किसी को मारना कूटना नहीं है है ना शांति से किसी चीज का निवारण करना ट्रूथफुल लेना नॉन स्टिंग वही नियम यानी ऐसे नियम कानून का उपयोग करना जिससे डेली लाइफ की चीजों में अडॉप्ट करना ऐसे नियम कानून का जिससे आपकी बॉडी एंड माइंड दोनों योगा के लिए फिट हो सके अब ये नियम क्या होंगे स्वच्छ ऑफ़ बॉडी एंड माइंड स्वच्छ रखना आ, सबसे पहले ठीक है हम अच्छे कपड़े पहनते स्वच्छ क्लिनलीनेस वाले कपड़े पहन लिए हमने प्रॉपर बाथिंग करी सब कुछ किया लेकिन अपने माइंड को भी क्लीन करना एक बहुत बड़ा आ, जरूरी अहम हिस्सा है हम कह सकते हैं बिकॉज यदि हमारे थॉट्स अच्छे नहीं है तो हम किसी के लिए भी बुरा सोचेंगे और वो एनर्जी जो है नेगेटिव एनर्जी फ्लो होगी तो दोनों का स्वच्छता होना बॉडी हो चाहे माइंड हो कंटेम्पलेटमेंट यानी संतोष आपके अंदर जो है परसिवरेंस रहना चाहिए पेशेंस होना चाहिए आ, तपस डिसिप्लिन होनी चाहिए यानी आपकी हर चीज के प्रति जो है एक डिसिप्लिन होना चाहिए स्वाध्याय यानी सेल्फ स्टडी ईश्वरीय Uh, प्राधान्य सरेंडर टू द डिवाइन हर चीज जो है भगवान के ऊपर सोच दे uh, सौंप दे कि जो हो रहा है आपकी इच्छा से हो रहा है और उसको स्वीकार करें हम दैट इज बिगर थिंग ये नियम होना चाहिए दिस इज द सेकेंड लिम है ना ऐसे आठ लिम्ब है जिसे हमें पढ़ना है और इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि नियम में जो है क्या चीजें जरूरी है तो जैसे क्लैंडलीनेस से रिलेटेड आपको कुछ बता दिया या सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड तो वो नियम का पार्ट है ठीक है तो इस तरीके से एमसीक्यू हो सकता है थर्ड पे बात करें आसन किस तरीके से आप बैठते हैं आपका पॉस्चर कैसा होना चाहिए ये बताता है आपको थर्ड लिम द वर्ड लिटरली ट्रांसलेट टू सिट इसका मतलब होता है बैठना दिस आर द मेडिटेटिव पॉस्चर दैट प्रमोट स्टिलनेस ऑफ माइंड एंड फिजिकल पॉस्टर दैट फैसलेट सिटिंग फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम फॉर मेडिटेटिव पॉस्चर आपका पॉस्चर कैसा होना चाहिए जब आप मेडिटेट करते हैं ताकि आप लंबे समय तक शांति से मेडिटेशन कर पाए है ना तो वो प्रॉपर पॉस्चर से नहीं तो हम डायरेक्टली हमें हैबिट नहीं है हम जिस भी तरीके से बैठे आखिर कुछ समय के बाद हम परेशान हो जाएंगे तो वैसी पॉस्चर्स को अडॉप्ट करना ताकि हमारा माइंड डिस्टर्ब ना हो बैठे बैठे हम परेशान ना हो तो उसमें ये होता है आसना ठीक है फिर आता है हमारा प्राणमया प्राणमय से जिस जैसे कि ब्रीथिंग यानी रोकथाम करती है प्राणमया ट्रांसलेट टू एक्सटेंशन ऑफ अ लाइफ फोर्स प्राणायाम जरूरी है जिससे आप ब्रीथिंग करते हैं आपका लाइफ फोर्स चलता है यदि वो प्रॉपर है तो सभी चीजें बेटर है अदरवाइज कुछ भी नहीं है प्राणमया आर ब्रीथिंग प्रैक्टिस दैट इन्वॉल्व द रिटेंशन ऑफ ब्रीथ आप किस तरीके से अपनी ब्रीथ को प्योर कर पाएंगे अच्छा कर पाएंगे वो होता है इसका फोर्थ लिंब दैट इज द प्राणायाम ठीक है फिफ्थ प्राथयरा विड्रॉवल ऑफ द सेंसेस फ्रॉम द थिंग्स दैट आर नॉट कंडिशियस टू प्रैक्टिस ऑफ योगा ऐसी चीजों को अपनी लाइफ से हटाना जो योगा के लिए नुकसानदायक है उन सेंसेस को हटाना यानी अ मूविंग फ्रॉम द एक्सटर्नल टू द इंटरनल वर्ल्ड क्योंकि यहाँ पे आप बाहरी चीजों से हटके जो है अपने अंदर का विश्लेषण करते हैं अपने अंदर को जान पाते हैं तो ऐसे सेंसेस का उपयोग खत्म करना जो, आ, योगा जो आपकी योगा में कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं ठीक है देन धरना कॉन्सेंट्रेशन ऑन वन सिंगल थिंग आइडियली समथिंग स्पिरिचुअल इन नेशन किसी भी एक चीज पर जो है ध्यान देना कॉन्सेंट्रेट करना दैट इज धरना किसी भी वो कोई भी चीज हो सकती है नेचर से रिलेटेड हो सकती है किसी पक्षी को देखना हो सकता है किसी भी नेचर से रिलेटेड नदी का बहना हो सकता है किसी भी एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट करना इससे जो है आपका मेंटल डेवलपमेंट माइंड जो है वो स्किलफुल होगा देन मेडिटेशन जिसे हम कहते हैं ध्यान करना अनप्टेड होता है फ्लोइंग कॉन्सेंट्रेशन इन विच द मेडिटेटर बिगिनस टू मर्ज विद द ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन जिस चीज पे ध्यान लगाओ वो आपका मेडिटेशन हो जाएगा अगर आपने आ, कहते हैं कि यदि आप यहाँ पे ध्यान लगाते हैं दैट इज द थर्ड आई तो एक समय के बाद आपको कुछ अलग सा महसूस होने लगता है एक ये प्रकार का ध्यान होता है हमने पहले डिस्कस किया ब्रीथिंग इज ऑल्सो ऑफ ध्यान क्योंकि एक ही जगह पे फोकस है सिर्फ आप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट ब्रीथ इन ब्रीथ आउट है ना इनहेल एक्सल पे आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं आप सुकून से बैठे हैं आंखें बंद करके थॉट्स का प्रिवेलिंग हो रहा है लेकिन आप रेगुलर प्रैक्टिस को यदि करते हैं सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ के तो एक समय आएगा कि आपका ध्यान लग जाएगा भगवान में है ना कि देर इज सम कोई पावर है जिसने आपको बनाया है जिसने इस दुनिया को बनाया है तो आपका ध्यान वहां चला जाएगा दैट इज द मेडिटेशन एंड एट इज द समाधि A super conscious trance in which the mind merges fully with and becomes one with the object of meditation. अब जहां पे आप मेडिटेशन कर रहे थे तो मेडिटेशन किसी चीज पे फोकस करा रहे थे समाधि वो स्टेज है जहाँ पे जिस चीज पे आप मेडिटेशन uh, कर रहे थे और आप है, वो एक ही चीज है आप उस चीज का जब एहसास कर लेते हैं दैट इज द स्टेज ऑफ समाधि इन द हाइस्ट स्टेट ऑफ समाधि देयर इज नो लॉन्गर एनी ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं आप आंखें बंद करते हो आप और uh, जिस चीज पे भी आप फोकस कर रहे हो वो दोनों एक ही होती है आपको समझ में आ जाता है मैं कोई अलग नहीं हूं हम एक हैं हम हम ही भगवान है भगवान ही हम हैं ठीक है तो दिस इज द स्टेट ऑफ समाधि जो बहुत ही मुश्किल से पहले के समय में ऋषि मुनि इसलिए अलग से जाके जो है तपस्या करते थे ताकि वो समाधि की स्टेज पर पहुंच पाए ठीक है ऐसे ही जैसे विवेकानंद जी थे बुद्धा थे उनको एक समय पे जब रियलाइज हुआ कि लाइफ कुछ नहीं है मेटलिस्टिक चीजें कुछ नहीं है तो वो अपनी फैमिली से तुरंत हट गए है हाँ ना तो दिस इज द एट लिम्स ऑफ अष्टांग योगा जिसको आपको डिटेल में भी हमने देख लिया ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू हो सकता है कि एट में से चार ऑप्शन से कौन सा एक लिंब नहीं है तो जो नहीं होगा उसको आप टिक कौन सा है वो कर लेंगे या आपसे पूछ लिया धरना का मतलब क्या है या ध्याना का मतलब क्या है तो ये हमने उसको देख लिया दिस आर द एट लिम्स इसको ओवरऑल को यदि हम कंक्लूड करें तो द एट लिम्स आर अ प्रोसेस ऑफ गोइंग डीपर एंड डीपर इनवर्ड टू डिस्कवर एंड अवॉइड इन द डिमिनी विथ अस ये इटलिम्स आपको मदद करते हैं अपने अंदर का विश्लेषण करना आप अपने आप को और ज्यादा खोजते हैं पहले तो हमें जैसे हम एक यंग एज में जब सब चीजें समझना समझते हैं तब हमारे अंदर ये आता है कि मुझे डॉक्टर बनना है इंजीनियर बनना है या जो भी हमारी एम होती है हमें पैसा कमाना है लेकिन एक समय के बाद जब हम मेडिटेशन या स्पिरिचुअली आध्यात्मिकता से कनेक्ट होते हैं हम अपने आप को खोजते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये रियल लाइफ है ही नहीं रियलिटी तो कुछ और है तो जब हम खुद की खोज में निकलते हैं तो ये एट लिम्स ऑफ योगा हमें मदद करते हैं जब हम इनका प्रयास करेंगे तो धीरे 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 हमारे अंदर जो है इंटरनल uh, चेंजेस आएंगे हम खुद को और बेहतर समझ पाएंगे वी बिकम टू रेस्ट इन योगा वी आर इन द स्टेट ऑफ परफेक्ट वंस जब हम योगा से एक आराम की स्थिति में आ जाएंगे तब हम ऐसी स्टेट में रहेंगे जिसे हम कहते हैं परफेक्ट वननेस बियॉन्ड पीस रहती है जो पूरी शांति से परिपूर्ण बियॉन्ड ब्लेस यानी हम इसको कह सकते हैं आनंदमय स्थिति जहां पे आप और आपके सदगुरु या जो आपके गॉड हैं वो आपको एक ही प्रतीत होते हैं ठीक है ये वो स्टेज है जो कि बहुत मुश्किल रहती है लेकिन जब हम धीरे-धीरे जितनी अर्ली एज में हम मेडिटेशन चालू कर देते हैं उतनी अर्ली एज में जो है हम इन चीजों को समझना चालू कर देते हैं अपनी इंटरनल खोज को चालू कर देते हैं एक्चुअली दिस सब्जेक्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग ये आपको बहुत कुछ सिखाता है आपके बारे में लेकिन लिमिटेशन रहती है जब हम बहुत कुछ पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हम बहुत डीप में नहीं जा पाते हैं सो स्टिल ये हमें जो सिखाने की कोशिश कर रहा है हम कोशिश करें कि हम उसको अडॉप्ट करें सिर्फ हमारे एग्जाम के लिए नहीं हमारी लाइफ के लिए भी हम यदि कुछ एक दो चीजें ही अडॉप्ट कर पाते हैं तो देट इज वेरी गुड थिंग ठीक है तो ये हो गया हमारा अस्टान योगा ओके okay. अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक तो जिसे हम कहते हैं पास्ट ग्लोरी या फिर इसको कहते हैं तो जब हम ऐसा सोचते हैं कि दूसरे की खुशी में ही खुद की खुशी को ढूंढते हैं दैट इज द पास्ट ग्लोरी और बिरिंग आइए इसको पढ़ते हैं आ, बिरिंग का फुल फॉर्म जो है वो होता है बास्किंग इन रिफ्लेक्टेड ग्लोरी यानी जो आपको खुशी दिख रही है ग्लोरी का मतलब होता है खुशी उसको आप कलेक्ट करते हो यानी दूसरे की खुशी में खुद की खुशी ढूंढते हो इज अ सेल्फ सर्विंग नॉलेज वेयर एन इंडिविजुअल एसोसिएट विद सक्सेसफुल अदर्स सच इंडिविजुअल ऑन सक्सेस जब आप दूसरा जो सक्सेस हो रहा है विनर हो रहा है उसकी खुशी में जब आप खुद की खुशी ढूंढते हो खुद की सक्सेस देखते हो उसी को ही हम कहेंगे बिरिंग या पास्ट ग्लोरी अफिलियशन ऑफ अनदर सक्सेस इज इनफ टू स्टलेट से दूसरे की खुशी को देखना ही आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है उसी को ही हम कहते हैं इंडिव्यूजुअल इन्वॉल्व इन द सक्सफुल एक्शन और जरूरी नहीं है कि वो इंडिव्यूजुअल उस पर्टिकुलर दूसरे पर्सन की खुशी में डायरेक्टली इन्वॉल्व है वो इनडायरेक्ट वे में भी देख रहा है लेकिन उसको बहुत खुशी हो रही है दैट इज बिरिंग और पास्ट ग्लोरी टू बिरिंग दे मस्ट सिम्प

टू बी अम्पोनेंट ऑफ अ सेल्फ मैनेजमेंट जिसको आप खुद से महसूस करते हैं अब ऐसा क्या होगा यदि आप सोचोगे कि यार दूसरे की खुशी से इतनी खुशी होती है यदि आप बात करो कि कोई फैन है जो कि जैसे यहाँ पे इंडिया इज अग अ क्रिकेट फैन क्रिकेट लविंग कम्युनिटी है तो जो क्रिकेट का फैन है उसको यदि जर्सी मिल जाती है किसी अपने फेवरेट क्रिकेटर की और उसको पहन के वो जश्न मनाता है तो उसको कितनी खुशी होती है वो उस पर्सन की खुशी में अपनी खुशी अः या वो क्रिकेटर यदि सक्सेस अचीव करता है तो वो लिटरली वो पर्सन खुश होता है दैट इज द बिरिंग और द पास्ट ग्लोरी ऐसे यदि इसको हम फैमिली से कनेक्ट करें तो जब पेरेंट्स जो हैं सपोज किसी बच्चे का कोई कंपटीशन और पेरेंट्स जो है वहां पे होर्डिंग या स्टिकर लगा के बैठे हैं अपने बच्चे का नाम लिखकर और उसको जो है वो जोर जोर से उसको चिल्ला रहे हैं यू कैन डू इट या इस तरीके के कुछ पॉजिटिव वर्ड्स उसको बोल रहे हैं या नहीं वहां पे पेरेंट्स जो कि खुश हो रहे हैं बच्चे की सक्सेस के लिए उसका जो भी कंपटीशन है उसके दैट इज द पास्ट ग्लोरी ठीक है तो ये रिलेशन जो पेरेंट्स और चाइल्ड का है तो ऑब्वियसली उसमें तो वो चीज होती है लेकिन बिरिंग एक ऐसी चीज है जब आप दूसरों की सक्सेस से खुद उस सक्सेस को सेलिब्रेट करते हो वो आपके लिए भी वो सक्सेस मायने रखती है दैट इज द पास्ट ग्लोरी और बिरिंग इसका बेस्ट एग्जाम्पल यही है कि कोई फैन जो है अपने खास विनर की जो है उसकी जर्सी पहन के जब उस चीज को सेलिब्रेट करता है दैट इज द पास्ट ग्लोरी उसकी सक्सेस उस पर्टिकुलर फैन की सक्सेस हो जाती है आप देखते हो फैन कितने पागल होते हैं वो कुछ भी कर कर जाते हैं जैसे कि अभी रिसेंट में ही आपने देखा होगा कि विराट कोहली जब ग्राउंड पे थे तो एक फैन ने जो है सभी चीजों को जो है लिमिटेशन uh, को क्रॉस करके उसके पैर छूने चला गया इतने मायने रखते हैं उनको यदि किसी को कोई uh, पसंद है तो बट यस दिस इज द लिमिटेशन वी शुड नॉट क्रॉस हमें नहीं क्रॉस करना चाहिए लेकिन ये फैन मूवमेंट रहता है जो उनको बहुत अः uh, खुशी देता है तो वो उसको क्रॉस करके जो है तो यही होती है पास ग्लोरी की आपके लिए वो इतना मायने रखता है ठीक है इसको यदि हम अः uh, देखें अ सब्जेक्टिव फीलिंग पॉजेस ये एक सब्जेक्टिव फीलिंग है जो आप ही महसूस कर पाएंगे पोजेसड बाय वन इंडिविजुअल हु सीक्स टू गेन एक्सेप्टेंस और रिस्पेक्ट बाय एसोसिएटिंग देमसेल्व्स विद द सक्सेस ऑफ अदर दूसरे की सक्सेस से उस खुशी को सेलिब्रेट करना उसमें ही अपना रिस्पेक्ट देखना खुद को एसोसिएट कर लेना उससे दैट इज द बिंग और द पास्ट ग्लोरी ठीक है अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक वासुदेव कुटुंबकम वासुदेव कुटुंबकम यदि हम बात करें तो कुटुंबकम यानी हम किसको बोलते हैं फैमिली को कुटुंब पहले के समय में ये वर्ड्स चलते थे वासुदेव यदि हम बात करें जो है हम किसको बोलते हैं धरती माता को तो पूरी धरती जो है पूरी एक फैमिली है उसी को ही हम कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम इन शॉर्ट आइए इसको डिटेल में देखते हैं द कंसेप्ट ऑफ वासुदेव कुटुंबकम फिलोसोफी एंड टेक्स्ट ये बहुत पहले से ये शब्द जो है चला आ रहा है पर्टिकुलरली इन महा उपनिषद और हितोपदेश में जो है इसका वर्णन किया गया है ये बहुत पुराने कल्चर से जो है चला आ रहा है जहां पे वसुदे यानी संस्कृत में वसुधा मीन्स द अर्थ जैसे हमने कहा धरती माता मीन्स एवं कुटुंबकम इन संस्कृत कुटुंबकम मींस फैमिली फैमिली यानी हम सब एक हैं एक ही फैमिली है, uh, ये जो है एक है मीनिंग ऑफ वासुदेव कुटुंबकम बहुत डीप मीनिंग में भी जा सकते हैं बट हम हमारे सिलेबस में ही कम लिमिटेड uh, uh, रहेंगे है ना नहीं तो अदरवाइज बहुत कुछ इसमें फिर हम गीता के उपदेश पे भी जा सकते हैं बहुत कुछ है इसमें ठीक है तो आगे पढ़ते हैं इसमें वासुदेव कुटुम्बकम इज अ संस्कृत फ्रेज दैट ट्रांसलेट वर्ल्ड इज वन इन इंग्लिश कि पूरा जो वर्ल्ड है पूरी जो दुनिया है वो एक है आइडिया दैट एंटायर वर्ल्ड इज इंटरकनेक्टेड पूरा वर्ल्ड जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है एंड ऑल पीपल आर पार्ट ऑफ सिंगल ग्लोबल फैमिली हम सभी एक है एक दूसरे का हिस्सा है इट प्रमोट द वैल्यूज ऑफ यूनिटी ये यूनिटी को बढ़ाता है कॉपरेशन को द आइडिया दैट वी शुड ट्रीट विद काइंडनेस इसमें वासुदेव कुटुम्बकम हमें ये बताने की कोशिश करता है कि हम सब एक हैं हम सब एक दूसरे को जो है काइंड रहे एक दूसरे के प्रति रिगार्डलेस ऑफ देयर नेशनलिटी आपकी नेशनलिटी कोई भी है हर इंसान है और इंसानियत का हमारा uh, हमारा जो स्वभाव होना चाहिए वो इंसानियत का होना चाहिए जो रिश्ता होना चाहिए एक दूसरे से वो हिंदू मुस्लिम कास्ट बेसिस पे नहीं होना चाहिए अमेरिकन इंडियन बेसिस पे नहीं होना चाहिए नेशनैलिटी के बेसिस पे नहीं वो किस बेसिस पे होना चाहिए इंसानियत के बेसिस पे होना चाहिए ना कि नेशनैलिटी के बेसिस पे रेस रिलीजन के बेसिस पे नहीं होना चाहिए इट्स ऑफन यूज टू एम्फोसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्लोबल पीस अंडरस्टैंडिंग अमंग डिफरेंट कल्चर एंड नेशन ठीक है तो ये जो है एक मेन वासुदेव कुटुंबकम जिसमें गीता का उपदेश भी मायने रखता है कि हम सब एक हैं एक हम सभी एक ग्लोबल फैमिली हैं एक दूसरे का हिस्सा है जिसमें हमारा एक दूसरे से जो रिश्ता है वो इंसानियत का है न कि इंडियन अमेरिकन फॉरेनर किसी से भी कुछ नहीं रिश्ता इस तरीके से जो है हम कह सकते हैं दैट इज वासुदेव कुटुंबकम सनातन धर्म का मूल संस्कार विचारधारा है जो महा उपनिषद सहित कई ग्रंथों में दर्शनीय है इसका अर्थ है धरती ही परिवार है वसुधा एवं कुटुंबकम यह वाक्य भारतीय संसद में प्रवेश कक्ष में भी सजाया हुआ है ये इतना इंपॉर्टेंट है हाँ हम उसकी अहमियत नहीं करते हैं ये अलग बात है एंड यह महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक संदेश का प्रतीक है जो विश्व एकता और, और मानवता के मूल्य और मूल्यों को प्रमोट भी करता है ठीक है तो ये होता है हमारा वासुदेव कुटुंबकम यदि इसको हम और डिटेल में देखें तो इट प्रमोट्स द वैल्यूज ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड यूनिटी दैट वी शुड एक्सटेंड काइंडनेस एम्फिथी टू तो ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ देयर नेशनैलिटी रेस और रिलीजन एसेंशियली ये किस पे फोकस करता है इट ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लोबल यूनिटी पीस अंडरस्टैंडिंग अमंग द डिफरेंट कल्चर्स एंड नेशन हर नेशन को समझना उसकी क्या खासियत है उसकी रिस्पेक्ट करना है ना दिस फ्रेज अ फिलोसफी है ये एक दैट इनकरेज कोऑपरेशन जिससे बढ़ता है कंपैशन आपस में uh, uh, मानवता जो है बढ़ती है द रिकॉग्निशन ऑफ अवर ह्यूमैनिटी एक इंसानियत के नाते जो है हम रिकॉग्नाइज हो पाते हैं बाय वासुदेव कुटुंबकम ठीक है तो ये होता है हमारा वासुदेव कुटुंबकम जिसको अभी हमने देखा यहाँ पे हमारी यूनिट सेकेंड जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट होती है अब यूनिट थर्ड को हम देख लेते हैं